ललिता उठ जाओ, 7 बज गए, कॉलेज नहीं जाना है क्या? गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और इससे पहले गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून में बदल जाए, फौरन उठ जाओ, उठो ना। क्या चलो उठो और चाय पियो, उठो ना। मॉर्निंग मम्मी। तो क्या सारी जिंदगी यही करती रहेगी? बचपन से यही कर रही है, सुबह आंख बंद करके उठती है, पहले मेरा चेहरा देखती है, फिर आंखें खोलती है। बिल्कुल, कहते हैं जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा पसंद हो सुबह सुबह आंखें खोलती ही उसे पहले देख लेना चाहिए, जिंदगी सवर जाती है। और मेरे लिए मेरी माँ से बढ़कर इस पूरी दुनिया में कोई चीज नहीं है। जिसके चेहरे पर देवियों का तेज है, जिसकी आंख में प्यार का सागर है, जिस मुस्कुराहट पर फूल भी शर्मा जाते हैं, ऐसी माँ का चेहरा ना देखूं तो सारी जिंदगी ना उठूं। अच्छा बाबा, माँ का चेहरा देख लिया ना, चल अब उठ जा, आज सुबह 8:30 बजे तेरे इंग्लिश का पीरियड है, अटेंड करना है। हा? चल तैयार हो जा, तब तक मैं तेरे लिए नाश्ता बना लेती हूँ। एक मिनट मम्मी, इतनी जल्दी कर रही हो, असल चीज तो भूल गई। बहुत ही मतलब है। गुड मॉर्निंग डैडी। ललिता, ललिता आओ जल्दी नाश्ता करने, तो देर हो जाएगी। अरे तू नाश्ता क्यों नहीं कर रही है? मुझे भूख नहीं है। खा लो बेटी, देखो आज मैंने तेरी पसंद का नाश्ता बनाया है, गाजर का हलवा, गोभी का पराठा। हाँ ना, ओफो तेरा बचपना कब जाएगा। अब खाओ। तुम्हारे हाथ से नाश्ता ना करो तो निवाला गले से उतरता ही नहीं। जल्दी खाओ। मम्मी पानी। ओफो क्या लड़की है, शादी की उम्र होने आ गई मगर माँ की गोद से बाहर नहीं निकली। और निकलूंगी भी नहीं, मैं इसी गोद में बड़ी हुई हूँ और इसी गोद में बुढ़िया हो जाऊंगी, मगर गोद से नहीं निकलूंगी। अच्छा बाबा, कॉलेज को देर हो रही है, बस कर। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि ये गधा इतना खूबसूरत जानवर होता है। ये गधे लोग खामखा गधे को गधा कहते हैं। और मैं उस कलाकार को भी दाद देना चाहूंगा जिसने मेरे चेहरे को इतने गौर से स्टडी किया और मेरी इतनी अच्छी तस्वीर बनाई। हाँ, अब काम की बात करें, मैं आपका नया प्रोफेसर हूँ, आपको अंग्रेजी पढ़ाने आया हूँ। मेरा नाम विजय चौधरी है। अब मैं अपने हर एक विद्यार्थी का नाम जानना चाहता हूँ क्योंकि मुझ में कमजोरी है, मुझे अपने हर एक स्टूडेंट का नाम बहुत आसानी से याद हो जाता है। हाँ, आप अपना नाम बताइए। शीला शर्मा। शीला शर्मा, आपके तो नाम में भी शर्मा है, फिर भी आप शर्मा नहीं रही हैं। इतने खूबसूरत चेहरे पर एक भयंकर आवाज लगवा रही है। आपका नाम? शांता। वाह, नाम अपना सुना लेकिन किसी और के मुंह से बोलकर। बैठ जाओ। आपका नाम? भाई वाह, फैंटास्टिक। जो शख्स चौक से अच्छी तस्वीर बना सकता है, बहनों की आवाज निकाल सकता है, मेरा ख्याल है कि मैं उस आदमी से मुलाकात कर ही लूं। अरे आप वहां तशरीफ रखते हैं, इतनी दूर करीब आइए ना, आइए ना जी। मैं? हाँ तुम। मारिये रवि। अरे भाई फिर चौंके, मैंने कहा ना मेरी एक कमजोरी है नाम याद रखने की। मगर मैंने तो आपको अपना नाम बताया नहीं। अरे बता के नाम याद किया तो क्या किया, मजा तो तब है कि तुमने नाम नहीं लिया और हमने कह दिया। अरे ये तो शेर बन गया,
है ना? नहीं वाकई ये तस्वीर बहुत अच्छी बनाई है तुमने। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें एक बड़ा सा कैनवस लाकर दे देता हूँ, तुम यही तस्वीर उस पर बना डालना, मैं नुमाइश में भेज दूंगा। अपना टैलेंट यहाँ क्यों वेस्ट करते हो? बिठाओगे इसे या फिर मैं पूरा बोर्ड उखाड़ कर नुमाइश में भेज दूं? गुड गुड। ठहरो रवि, अब मैं तुम्हें इस क्लास के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट होने के नाते एक हार पेश करना चाहता हूँ। रवि, इन फूलों की खुशबू कैसी है? कोई खुशबू नहीं है, ये कागजी फूल है। बिल्कुल सही। याद रखना बेटे, जिंदगी में अगर बड़ा आदमी बनना है तो असली फूल बनना, कागजी फूल नहीं, जो ना सूंघा जा सकता है और ना ही भगवान के चरणों में चढ़ाया जा सकता है। सर, ये समझदारी का सर्टिफिकेट यादगार के तौर पर मैं हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगा। गुड। योर ऑनर, ये चश्मदीद गवाह, ये नोटों के तराजू में तोलकर अपना ईमान बेचने वाला चश्मदीद गवाह, ये कहता है इसने 14 फरवरी की रात को सीमा देवी को चंपक लाल का खून करते हुए अपनी आंखों से देखा। ये काफी दूरी पे था, जब भागकर उसके करीब गया तो सीमा देवी भाग गई। तो कोई इस अकल के अंधे को समझाए कि 14 फरवरी तो अमावस की रात थी। अमावस की रात जब इंसान को अपना हाथ तक नजर नहीं आता, करीब से इसने दूर से सीमा देवी को कैसे देख लिया? और फिर ये जिस पार्क का जिक्र कर रहा है, वहां तो ईरानर म्यूनिसिपालिटी वालों की मेहरबानी से बत्ती ही नहीं है। तो एक अमावस की रात ऊपर बत्ती नहीं है, इसने सीमा देवी को देखा कैसे? इसका मतलब ये झूठ बोलता है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरी मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए और उल्टा इस पर मुकदमा चलाया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। बस क्या है भाई? वाह वकील साहब, वाह वाह वाह, क्या केस लड़ा है आपने। चलो बच्चों जाकर खेलो। इस बिना छत और बिना दीवार की अदालत को हिला के रख दिया आपने। जज साहब तो पहले से नहीं थे, परिंदे उड़ गए, लौंडों को मैंने भगा दिया। इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय का कप हो जाए। नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। वो तो लग रहा है, जब एक बिगड़ा हुआ वकील झूठ मूठ के जज के सामने, झूठ मूठ की अदालत में झूठ मूठ का मुकदमा लड़ रहा है, उसके पास पैसे कहां से आएंगे? अरे उसके पास तो झूठ मूठ के पैसे भी नहीं होंगे। मैं आपका केस एक जज की तरह बड़े ध्यान से सुन रहा था। आप वकालत कर सकते हो? कर सकते हैं? हाँ, आपके अंदर मुझे दम नजर आ रहा है, इसीलिए तो फ्री की चाय पिला रहा हूँ। पियो पियो पियो, डट के पियो। चुन्नी लाल की चाय। लगता काफी देर से चाय की तलब है आपको। अरे देर से नहीं भाई, दिनों से है? दो दिन से चाय पीने को मन कर रहा है, मगर जेब उसकी इजाजत ही नहीं दे रही थी। दो दिन से? वैसे काम क्या करते हो आप? हालत देख के समझ में नहीं आता मैं क्या काम करता हूँ। नहीं, हालत से तो लग रहा है कि फक्कड़ हो, और बदन ढांकने के लिए किसी मरे हुए वकील की ड्रेस पहन के घूम रहे हो। इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि काम क्या करते हो। मैं हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोगों की चलती फिरती तस्वीर हूँ। इस दुनिया में विश्वास, सिफारिश और दौलत तीन बहने हैं, और जिस किसी को ये तीन बहने नहीं मिलती तो उसकी हालत ऐसी हो जाती है जैसी मेरी हो गई। मुझे भी आज तक एक केस नहीं मिला। मैं लोगों के पीछे भागा, उनके हाथ जोड़े, मुफ्त केस लड़ने की लालच दी, मगर कोई केस लेकर मेरे दरवाजे पर नहीं आया। गाहक फांसने वाले तवायफों की तरह हम वकील लोग सड़क पर खड़े होकर गाहकों को बुलाते हैं, पर वो लोग हमें बुढ़ी तवायफ समझकर मुंह फेर कर चले जाते हैं। वाह वकील साहब, वाह क्या मिसाल दी है आप। अरे बुढ़ी तवायफों की तरह क्या, अगर मैंने लोगों को तवायफों की तरह आपके सामने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम चुन्नी लाल चाय वाला नहीं। वकील साहब, वैसे मैं दिखने में चाय वाला लगता हूँ, अगर चानस मिले ना तो अमेरिका को रूस के हाथों बेचकर चीन भाग जाऊंगा। पैदा करने वाले की। अब आप जरा मेरा चमत्कार देखिए, अगर मैं आपको नहीं बेच डालू ना तो मैं अपने दो बाप की औलाद नहीं। दो बाप की? मेरी माँ ने दो शादियां की थी। तुम किसकी औलाद हो, पहले की या दूसरे की? नहीं, तीसरे की। वैसे तो अभी आप दो बाप तक ही रहने दीजिए ना। अब देखिए, मैंने आपको नहीं बेचा तो मेरा नाम चुन्नी लाल नहीं। तू मुझे क्या बेचेगा?
मुझे कोई मुफ्त में नहीं खरीदने वाला? अरे कैसे नहीं खरीदेंगे वकील साहब, ये पब्लिसिटी का जमाना है। अगर दबाकर पब्लिसिटी कर दी जाए तो मिट्टी सोने के भाव बिक जाती है और कंकर हीरे के भाव। तो समझ लो आज से आप इस देश के सबसे बड़े और मशहूर वकील बन गए और मैं आपका असिस्टेंट चुन्नी लाल। चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें लगी है, इन आंखों में रोशनी नहीं है क्या? ये लड़कियों का साइकिल स्टैंड है, क्या तुम साइकिल खड़ी नहीं कर सकते? हाँ लड़के, ये जो तुम्हारी बड़ी बड़ी बटन जैसी आंखों के ऊपर तुमने इतना बड़ा सर लगा रखा है, उसमें अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं जो तुम्हें ये समझा सके कि मेरी साइकिल मर्द नहीं औरत है, लेडी है लेडी। एक मर्द होकर लड़कियों के बीच घुसते हुए शर्मानी चाहिए तुम्हें। जी नहीं, बल्कि मेरी इस बेचारी लेडी साइकिल को इन बेवकूफ लड़कियों के स्टैंड के ऊपर खड़े रहते हुए शर्म आ रही है, कुछ समझिए आप। I see. मतलब इन साइकिलों को बेवकूफ कहकर तुम इनडायरेक्टली मुझे गाली दे रहे हो? हो सकता। अच्छा मैं अभी तुम्हारा और तुम्हारी साइकिल का दिमाग ठीक करती हूँ। अब साइकिल तुम्हें नहीं उठाएगी बल्कि तुम साइकिल को उठाओगे, समझे? तुमने अपने स्टाइल में मेरा दिमाग ठीक किया और अब मैं अपने स्टाइल से तुम्हारा दिमाग ठीक करूंगा। तुम क्या कर लोगे मेरा? बताऊं क्या करूंगा? अरे तुम क्या बताओगे बुजदिल, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, रेड क्रॉस के लिए चंदा दीजिए, ये पैसा गरीब बीमार यतीम स्टूडेंट की हेल्प के लिए है, प्लीज। और उसके बाद मैं अपने गरीब भाइयों की दिल खोलकर मदद कीजिए। थैंक यू गर्ल, बहुत पुण्य का काम है। गरीबों के नाम पर पैसा जमा करके खुद खा जाएंगे और कहते हैं कि पुण्य का काम है। थैंक यू। हाय ललिता, रेड क्रॉस के लिए। ये चंदा नहीं है, इन लोगों का अपना खुद का बनाया हुआ धंधा है और आप जैसी शरीफ घराने की लड़कियों को चाहिए, कैसे बदमाश लड़कों को सपोर्ट ना करें? अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि शरीफ कौन है और बदमाश कौन, और बदमाशों का कोई हक नहीं है कि वो शरीफ लड़कों का नाम बदनाम करें और उनके सोशल वर्क में रुकावट पैदा करें। थैंक यू ललिता, थैंक्स लली। चंदा प्लीज। शाबाश, काफी बेवकूफ लोग रहते हैं शहर में, यतीमों गरीबों का नाम लो फौरन चंदा दे देते हैं। छोड़ दो मेरा हाथ, ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है बल्कि तुम्हारी आंखों को तमीज सिखाने के लिए आया हूँ। ये देखो तुम्हारे शरीफ फरिश्ते। अच्छा ये पैसे ले जा और सप्लायर को बोल के चरस अभी भेज दे। निशान, गरीबों के नाम पर लोगों को धोखा देते हो? रवि सच कहता था, तुम बदमाश हो, कमीने हो, 420 हो। तो तूने हमारे चंदे के धंधे की पोल खोल दी। कोई बात नहीं बेटे, हम तो तेरे से ही चंदा वसूल करेंगे, क्योंकि थोड़ी देर में तू अपनी टूटी हुई हड्डियों को लेके हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़ा होगा, इसलिए बच्चे निकाल चंदा। अच्छा चंदा चाहिए, चेक चाहिए कि कैश चाहिए? नहीं मेरा क्या है कि मैं चेक हाथों से देता हूँ और कैश पैरों से। अब सवाल ये उठता है कि तुम्हारे सगे भाई साहब को पहले चाहिए क्या? लगता है इसे चेक और कैश इकट्ठा ही चाहिए था। इसे मारू। Thank you.
बस भी करो, कितना हंस रही हो? अच्छा बोलो, किस लिए बुलाया था? फूल देने के लिए। खैर छोड़ो, क्यों जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? अरे खम्बक, ये भी कोई फुटबॉल खेलने की जगह है? चलो, मेरे लिए यही फूल से बढ़कर है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वहां जाकर बैठे। बैठी ना। उस दिन मैंने साइकिल स्टैंड पर तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी और तुम्हें थप्पड़ भी मारा था, फिर भी प्रिंसिपल से तुमने शिकायत क्यों नहीं की? मैंने भी तो तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी, तुमने भी तो शिकायत नहीं की। अब एक बात और पूछो। दरअसल बात ये कौन क्या? चलो इधर से पानी मारना है। ए माली, अकलता क्या कोई? जाता है ना? चलो चलो। हाँ जाता है, जाता है। आने कहाँ से चले आते हैं? किस करने के लिए यही जगह मिलती है? दरअसल पानी मारने को यही जगह मिली थी। अब बैठिए। हाँ तो मैं वो बात पूछूं? पूछो ना। बात क्या है? बात क्या? बात ऐसी कोई खास बात नहीं है। आगे बोलो ना। आगे आगे क्या? आगे तुम हो, पीछे मैं हूँ। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि दोनों साथ साथ चलो। तो यहाँ से तुम वहाँ से उड़ाया तो यहाँ के बैठ गए। चलो पानी मारना है यहाँ पर। तू मुझे पूछने नहीं देगा? ये कहाँ जी
नहीं कोई, हम हैं अकेले। ए बाबू माचिस है? कब कोई आ जाए चाहे यकीन, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चल दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। टाइम क्या हुआ? कम बात तो आना था यही, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चलो चल दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। चलो चले दूर कहीं, प्यार के लिए ये जगह ठीक नहीं। मम्मी, मदर डे, इसका क्या मतलब है? क्या मम्मी, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता? आज से 18 साल पहले आज ही के दिन तुम माँ बनी थी। आज तुम्हारा जन्मदिन है तो बर्थडे के बजाय मदर डे लिखकर घर भर दिया। जाहिर बात है, अगर मदर ना होती तो डॉटर कहाँ से आती? इसलिए पहले मम्मीज डे फिर बर्थडे, और इसीलिए मैंने अपनी देवी जैसी माँ के चरणों में चढ़ाने के लिए चारों तरफ के फूल सजा रखे हैं। अरे रे, जवान बेटियां पहने ही चुआ करती है, मां के सीने से लगा करती है। जन्मदिन मुबारक हो, ये तुम्हारे लिए, इसे पहनो। जरा देखो तो मेरे बेटे कैसे लगते हैं इसमें। थैंक यू मम्मी। और ये फूल आपके लिए है, बेटी का जन्मदिन मुबारक हो। अपने बेटे को आशीर्वाद दीजिए कि उसके हाथों में सुख की मेहंदी लगे, खुशियों के फूलों का सहरा पहनकर दुल्हन बनकर अपना संसार बसाए, और मेरा आखिरी कर्तव्य भी पूरा हो जाए। मम्मी, कैसी लग रही हूं मैं? बिल्कुल राजकुमारी की तरह, चांदनी रात की किरणों से ज्यादा सुंदर, फूलों की मुस्कुराहट से ज्यादा खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। गलत, सूरज को चिराग बनाकर मैं सारी दुनिया में घूमूं, फिर भी मेरी मम्मी जैसी खूबसूरत देवी इस संसार में नहीं मिलेगी। बस तू आते जाते घुमा फिरा कर बात मुझ पर ही ले आया कर। क्यों ना लाऊं? मेरे पास तुम्हारे सिवा दुनिया में रखा ही क्या है? अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएगा,
जब तुम मेरी उम्र को पहुंचोगी ना तब समझ में आएगा। चल बदमाश कहेगी। मम्मी एक मिनट मेरे साथ चलो तो। आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। हेलो मम्मी, एक बार फिर वही गीत सुनाओ ना। नहीं बेटी, आज नहीं, फिर कभी। देखो मम्मी, इनकार नहीं, आज के दिन इनकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि माँ की तरफ से बेटी को वही गीत तोहफे में पेश किया जाएगा। काजल लगा रहा हूँ मगर साला लगता नहीं है। देखो तो क्या देखने का देख। सारा काजल तो अपनी पलकों में लगा लिए। क्या करूँ, उंगली से ऐसे काजल लगाने जाता हूँ, जैसे उंगली रखता हूँ सारी आँख बंद हो जाती है। ठहरो, हम आपका सिखाते हैं कि आँख में काजल कैसे डाला जाता है। तू सिखाएगा? ज्यादा नजदीक हो गया। तो क्या कर रही तू, अंदर क्या घुसी आ रही है? क्या करती है, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगा दिया यार। हम क्या करें मालिक, आप भी तो सीधे खड़े रहो ना, चुई मुई की तरह हिलते सुकड़ते रहते हो। लगा मत कर, काजल लगा। तो फिर दीदे का ढक्कन तो खोलो। ये दीदा को टिफिन बॉक्स नहीं के ढक्कन खोलो। अंडर अंडर डालो, रखना। अरे तेरा सत्यानाश क्या पेंटिंग कर रही है, क्या कर रही है? हम आपको सुंदर बना रहे हैं मालिक। सुंदर बना रही है या बंदर बना रही है? अरे आपके जैसे सुंदर बंदर कैसे लग सकते हैं। खोलो ना, खोलो। नहीं मेरे को गड़बड़ लगती है, मैं नहीं खोलता, मैं मेरा मुंह देखूंगा। ये काला आदमी कौन है? आप ही ना हो मालिक। मैंने तेरे को आंख काली करने बोला था, तूने मुंह काला कर दिया। मालिक आप लगाते समय इतना हिलते हैं कि उंगली हिया की हुआ चली जाते। अरे मगर लगाने से हिलने का क्या संबंध है? नहीं सरकार, वो कहा है कि लगाते समय हिलने से मुंह काला हो जाता है। अरे कहा हो, एक जबरदस्त टेप लेकर आया हूँ वकील साहब। ओ वकील क्या 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 लाया? एक कालिया तू अंदर तेरे को साहब। हाँ चल चल, कौन है ये? अरे 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 एडवोकेट धर्मदास। ओ एडवोकेट धर्मदास, वकालत तो वकील का बहुत काला होता है, तुम्हारा मुँह कैसे काला हो गया समझ नहीं आ रहा। नजर नहीं लगे इसलिए मुँह पे काला टीका लगा रहा था। मुँह पे टीका लगाया था कि टीके पे मुँह लगाया था कि पूरा मुँह ही काला कर लिया? अब तो फिर से नजर लग जाएगी, एक सफेद टीका लगाना पड़ेगा। अबे बकवास बंद कर, मतलब की बात क्या? दिमाग में वकालत के कीड़े जाग उठे, उनको कानून की खुराक की। बोल 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 बोल। वो बाजू वाली गली में दो मारवाड़ी भाई रहते हैं, हीरा लाल और पन्ना लाल, दोनों हीरे का धंधा करते हैं, जौहरी है। दोनों में किसी नाजुक सी बात पर एक जबरदस्त गलतफहमी हो गई है, दोनों अलग होना चाहते हैं, अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। ये केस आपको लड़ना है। ये मत कर, मुझे दिख रहा है। केस तो है दमदार। अच्छा राम कटोरी, इसी बात पे मेरी आंखों में काजल घुसेड़ दे। मुझे भी लगा दे तेरा काजल। इसको गिलास गरम पानी पिला। गर्मी में गरम। अब खोल के रखो। हाँ। खोलो ना मालिक। अरे और कितना खोलू, कबाड़ थोड़ी है, लगा ना। खोलो ना। आराम से आराम से। मालिक मालिक अरे क्या अरे चुनीदार, अरे देख रहे मैं सचमुच का ना तो नहीं हो गया। अरे खुशी की बात है, दुनिया में आंख वाले वकील बहुत है, अंधा कोई भी नहीं है, ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। राम कोटरी कहाँ गए रे? तेरे लिए गर्मा गर्म पानी लाने गई है। झूठ बोलता है साले। आए। ये साली वाली कौन है? कोई नहीं, कोई नहीं, अंधे होकर पूछते हो कौन है? रामखोर झूठ बोलता है। और ये राम कोटरी लिपटा हुआ आदमी कौन है? आदमी नहीं मैं हूँ, क्या बात कर रहे हो, आदमी कौन है? हरामखोर तू है?
ऑर्डर। योर ऑनर, ये दो भाई हैं, हीरालाल पन्नालाल। ये दोनों अलग होना चाहते हैं, घर का बंटवारा करना चाहते हैं, जायदाद का बंटवारा करना चाहते हैं। हीरालाल का वकील कौन है? मैं। और पन्नालाल का? वो भी मैं। व्हाट? हाँ, ये दोनों की वकालत मैं अकेले करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूँ। इजाजत तो है, लेकिन किसी एक की तरफदारी मत करना। नहीं नहीं, मैं दोनों की तरफदारी करूंगा, दोनों को कसूरवार ठहराऊंगा। पन्नालाल जी, क्या ये सही है कि आप जौहरी हैं? जी हाँ। और ये भी सच है कि आप हीरालाल के छोटे भाई हैं? हम दोनों जुड़वा भाई हैं। हाँ, तो पन्नालाल जी, आप शादीशुदा हैं? जी नहीं, मैं कंवारा हूँ। आपने शादी क्यों नहीं की? पिताजी ने कहा था पहले बड़े की हो जाए, उसके बाद तुम्हारी हो। बड़े की? आप तो कह रहे थे कि आप दोनों जुड़वा पैदा हुए, तो फिर छोटा बड़ा कहाँ से आ गया? ओहो वकील साहब, आप समझते क्यों नहीं, ये मुझसे 10 मिनट पहले पैदा हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 मिनट पहले पैदा हुआ था, तो 10 मिनट पहले पैदा होने वाले भाई को आप बड़ा मानते हैं, उस बड़े भाई के लिए शादी की कुर्बानी देते हैं, सारी जिंदगी साथ भी रहते हैं, तो ये अचानक अलग होने का सवाल पैदा कहां से होगा बीच में? इसने मुझे माँ की गाली। अगर तुम्हारी माँ को गाली दी, मतलब उसने अपनी माँ को गाली दी? ये वो माँ नहीं है, दूसरी माँ को गाली दी। दूसरी माँ? तुम्हारे बाप ने दो शादियां की थी क्या? जज साहब, वकील साहब से कहिए कि मुझे फजूल सवालों से तंग न करे। समझ गया, नहीं पूछता। तो आपने इससे अलग होने का बिल्कुल फैसला कर लिया? बिल्कुल, मैं इसके साथ एक मिनट भी नहीं रहना चाहता। अरे तू मेरे साथ क्या नहीं रहेगा, मैं खुद तेरे मुंह पर थूकना नहीं चाहता। ये अदालत है, कोई सट्टा बाजार नहीं, चाहे तुम लोग जुआरियों की तरह लड़ रहे हो। तुम मेरे वकील होकर इसकी तरफदारी कर रहे हो? अरे ये मेरा भी तो वकील है। मैं दोनों का वकील हूँ, अभी मैं इधर खड़ा हूँ, इसकी तरफदारी कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ आऊंगा, तुम्हारी तरफदारी करूंगा, बराबर है कि नहीं सर? अभी मैं उधर जाता हूँ। हाँ, तो हीरालाल जी, आपका पन्नालाल के बारे में क्या ख्याल है? ये पन्नालाल नहीं, कंडालाल है, मैं इसका मुंह तक नहीं देखना चाहता। ऐसी क्या खराबी है इसके मुंह में जो आप उसकी तरफ देखना नहीं चाहते? ये कमीना है, नीच है, जलील है। मैंने अपना सारा हिसाब किताब, सारा कारोबार इसके भरोसे छोड़ा हुआ था, इस पर अंधविश्वास करता था। लेकिन उस दिन मैंने एक ऐसा घनाभना मंजर देखा वकील साहब, कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा क्या मंजर देखा आपने? मुझसे मत पूछिए, इसी कमीने से पूछिए। हाँ तो कमीने साहब, मेरा मतलब पन्नालाल जी, इन्होंने क्या भयानक मंजर देखा? मुझसे मत पूछिए, इसी से पूछिए। ये कहता है तुमसे पूछो, तुम कहते हो इससे पूछो, इनसे उनसे होता रहेगा तो मुकदमा आगे कैसे बढ़ेगा? मैं आगे बढ़ाऊंगा योर ऑनर। हाँ, ये शरीफ और नेक हीरालाल जब उस दिन अपने घर आया तो क्या देखता है कि ये जलील और कमीना पन्नालाल, ये विश्वासघातक पन्नालाल अपनी भाभी की गोद में लेटा हुआ है, भाभी उस पर झुकी हुई है और उसको किस कर रही थी। कितने शर्म की बात है, इसलिए ऐसे जलील इंसान को गोली मार देना चाहिए, इसको फांसी दे देनी चाहिए, इसको बीच चौराहे पे खड़ा करके गोलियां मार मार के इसके शरीर को जली कर देना चाहिए। ऐसा हीरालाल जी का कहना है, मेरा नहीं। क्या कर रहे हो धर्मदास जी, ये हरा तोता भी अपना ही क्लाइंट है। लेकिन पन्नालाल जी का कहना है कि वो अपनी भाभी को अपनी माँ के समान समझता है, ऐसा घिनौना काम करना मतलब अपनी माँ के पवित्र दामन पे हाथ डालने के बराबर है। लेकिन हीरालाल जी का कहना है कि पन्नालाल अपने पापों पे पर्दा डाल रहा है, उसने ये घिनौना पाप करते हुए पन्नालाल को अपनी आंखों से देखा है, किसी को कहते हुए नहीं सुना। लेकिन मेरा ये कहना है कि हीरालाल जी ने जो कुछ अपनी आंखों से देखा वो गलत देखा, और वो मैं अदालत में साबित कर सकता हूं। हीरालाल जी, जरा अपना चश्मा उतारना। तो हीरालाल, मेरी एक तरफ इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं, दूसरी तरफ हवलदार खड़े हैं। अब जरा गौर से देख के बताओ कि इंस्पेक्टर किधर है और हवलदार किधर है। इस तरफ इंस्पेक्टर साहब है और उस तरफ हवलदार साहब है। तुम उल्टा बोल रहे हो, गौर से देख के बताओ नहीं तो केस हार जाओगे। नहीं नहीं, इस तरफ इंस्पेक्टर साहब है और उस तरफ हवलदार साहब है। अच्छा, अब चश्मा लगाओ। जी। ये तो दोनों हवलदार हैं। जी, दोनों हवलदार हैं।
जी, थैंक यू। तो इसका क्या मतलब हुआ गुरु कि आपको बगैर चश्मे के नजर नहीं आता है, और उस दिन भी जब आप अपने घर आए थे तो आपकी आंखों पे चश्मा नहीं था, बल्कि आपने चश्मा बनवाने के लिए फूल चंद कांटे वाले की दुकान पे दिया था, और ये रही उस ऑप्टिशियन की रसीद। ओहो, साफ नजर नहीं आता, धुंधला तो नजर आता है ना, और जब मैंने आवाज दी तो मेरी बीवी जो इसके मुंह पर झुकी हुई थी घबरा कर खड़ी हो गई, लेकिन ये जमीन पर लेटा रहा बेशरम। इसका जवाब भी है मेरे पास। क्या है, क्या है? काजल है ये। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसके पीछे वाले मोहल्ले में मैं रहता हूँ, वहाँ फतेह चंद झोंकू मल नाम का एक नकली हकीम रहता है। तो उस नकली हकीम ने आजकल काजल बनाने का धंधा शुरू किया है, आंखों की रोशनी तेज करने वाला काजल। अरे रोशनी क्या खाक तेज करता है, जो आदमी अपनी आंखों में लगाता है वो मछली की तरह फड़फड़ाने लग जाता है। उसी झोंकू मल से तुम्हारे भाई ने भी एक काजल खरीदा था, घर आके उस काजल को जब अपनी आंखों में लगाया तो आंखों में तकलीफ होने लगी, जमीन पर लेट के चिल्लाने लगा, कराने लगा। इतने में तुम्हारी बीवी आई, अपने देवर की हालत देखी तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ममता की मारी जमीन में बैठी, अपने बेटे समान अपने देवर का सर अपनी गोद में रखा, अपने पल्लू से आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से काजल निकालने लगी, झुक कर उसकी आंखों में फूंक मार रही थी कि तब तक आप दाखिल हो गए। आंखों पे चश्मा तो था नहीं, देवर को भाभी की गोद में लेटा हुआ देखकर आपके मन में शक की लालटेन जल उठी। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू वेरी मच। अब अदालत तुम दोनों से आखिरी बार पूछती है, क्या तुम दोनों अलग अलग होना चाहते हो? नहीं नहीं, ये सब नहीं, मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने अपने लक्ष्मी जैसे भाई पर शक किया, अपनी सीता जैसी पवित्र पत्नी को गाली दी, मुझे कुछ भी सजा दीजिए सर, लेकिन हम दोनों को अलग मत कीजिए। और पन्नालाल तुम क्या कहते हो? मैं भी अपने भाई से अलग नहीं होना चाहता, मेरी जिस माँ को मेरे भाई ने गाली दी थी वो मेरी भाभी है जज साहब, मेरी भाभी है। पन्ना हीरा, पन्ना हीरा, पन्ना मेरे भाई, मेरे भाई, मुझे माफ कर, मेरे भाई। ललिता, ये क्या हो रहा है? I'm sorry sir, I'm really very sorry. मैं भूल गई थी कि मैं लाइब्रेरी में हूँ, मुझे गुनगुनाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, कलाकार लोग तो मूडी होते ही हैं, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो I'm sorry sir, मैं पढ़ रहा था। पढ़ रहे थे जी? ये उल्टी किताब है। ओह I'm sorry। चलो चला, गड़बड़ घोटाला। आप भी। अब काम की बात पर उतरा है, तुम्हारी सुरीली गुनगुनाहट सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक बड़ी समस्या हल हो गई। क्या सर? कॉलेज में फंक्शन है ना, उसके लिए एक फीमेल सिंगर की जरूरत थी, कोई लड़की मिल ही नहीं रही थी, सारा कॉलेज छान मारा, अब मिल गई। मतलब कौन सर? तुम। अरे सर क्या गजब करते हैं, ऐसी गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, वरना हमारे कॉलेज का हॉल सड़े हुए अंडे और टमाटरों की मार्केट बनकर आ जाएगा। ये सिंगर तो है मगर बाथरूम सिंगर है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम? क्या तुम इसके बाथरूम के बाहर चक्कर लगाते रहते हो? हाँ। क्या? नहीं नहीं, मैं मेरे कहने का ये मतलब था कि सर मैंने ऐसे बहुत सारे सिंगर देखे जो अकेले में तो बहुत सुर में गुनगुनाते हैं, मगर स्टेज पे आते ही मलेरिया के मरीज की तरह कपकपाने लगते हैं। हमारी ललिता उनमें से एक है। और मेरा तजुर्बा कहता है कि ये कपकपाने वालों में से नहीं, बल्कि अपनी आवाज से सारी ऑडियंस को हिलाने वालों में से है। नहीं आप कह रहे हैं तो फिर ये जरूर गाएगी, और फिर हम लोग पीछे है ना, गाओ। हाँ मैं जरूर गाऊंगी, है ना सर? बहार
गाना ही भूल गई थी सर। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। सर आप ये गाना कैसे जानते हैं? मेरी बीवी का बहुत ही पसंदीदा गीत था, इसलिए आज तक याद है। लेकिन ये गाना तुम्हें किसने सिखाया? मेरी माँ ने सर। गुड नाइट सर। ताजुब है, तुम्हारे ये नए प्रोफेसर को ये गाना कैसे याद है? वो कह रहे थे ये बहुत पुराना और मशहूर गाना है, उनकी पत्नी को ये गाना बहुत पसंद था इसलिए उन्हें याद था। खैर चलो मम्मी खाना खा लें, बहुत भूख लगी है। ये माफ कीजिएगा आंटी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्या कि मैंने आपको देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, आइंदा देख कर चला करो। जो इंसान आंखों और कानों का सही इस्तेमाल नहीं करते वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही आंटी जी, गलती मेरी है। मेरी एक मदद करेंगे आप? कैसी मदद? एक साड़ी पसंद करेंगे मेरे लिए? तुम्हारे लिए? क्यों तुम साड़ी पहनोगे? अरे नहीं नहीं, मैं क्या आपको साड़ी पहनने वाला लगता हूँ? दरअसल मैं साड़ी उसके लिए ले रहा हूँ। तो आपने उसको भी साथ लाना चाहिए, वो खुद अपनी पसंद की साड़ी चुन लेती। दरअसल क्या है कि मेरी जो वो है ना, वो है, वो अभी तक वो नहीं बने। वो नहीं हुई? अच्छा अच्छा,
समझी, अभी तक प्रेमिका है, पत्नी नहीं बनी। अरे वाह आंटी वाह, क्या बात है, यानी कि आपका दिमाग तो बहुत शार्प है। आप तो इशारों की जबान भी समझती हैं। जरा चुनिए ना, क्या है कि वो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा वो दिखने में कैसी है? दिखने में तो आंटी वो तो आ गई, यही तो है वो, यही है। मीट माय आंटी, है ना, वैसी है ना आंटी आंटी। अच्छा तो यही है वो लड़की, इसके लिए ऑरेंज कलर की साड़ी चुन लो, इसे बहुत पसंद आएगी। अरे हाँ यही तो इसका मनपसंद रंग है, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्या है आंटी है। इसकी सारी पसंद मैं बता सकती हूँ, इसे आलू की टिकिया बहुत अच्छी लगती है। 100% कमाल है। इसके अलावा इसे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। देखिए अब तो मुझे चक्कर आने लगा है, इसके बारे में आपको इतना कैसे मालूम है? इसके बारे में नहीं, ललिता के बारे में। आपको इसका नाम भी मालूम है? हद हो गई, कैसे मालूम है? इसलिए कि मैं ललिता की माँ हूँ। अच्छा अच्छा, फिर तो कोई फिक्र करने की बात ही नहीं है, मैं तो यूं ही खा मखा। क्या कहा? माँ? हाँ माँ। अरे मैं तो फिर कभी से बदतमीजी से पेश आ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, प्लीज प्लीज आई एम सॉरी सॉरी सॉरी। ललिता कौन है ये? माँ माँ ये वो है। अच्छा तुम्हारा भी वो है, इसके लिए तुम वो हो, तुम्हारे लिए ये वो है। इसके पिताजी कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा नहीं, इसके मामा जी हैं, एडवोकेट धर्मदास जी। जी 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 जी, बड़े शर्म की बात है रवि, तुम वहां से डर के भाग गए? अब भागता नहीं तो क्या करता, मैं डर गया था ना। इसका कहना भी सही है, भागता नहीं तो क्या करता, बेचारा डर गया था। आप ही कैसी बातें करते हैं भाई साहब, सच्चा प्यार करने वाले सारा मैदान छोड़कर भागा नहीं करते। आप भी सही कह रहे हैं, ये घर कानूनी बात है, सच्चा प्यार करने वाले मैदान छोड़कर भागा नहीं करते। अच्छा भाई साहब अब आप बताइए, लड़की आपको पसंद है? अरे जब मियां बीबी राजी देन डोंट आस्क काजी, फौरन कर दो शादी। लेकिन इन दोनों का फाइनल ईयर चल रहा है। ओ फाइनल ईयर चल रहा है, तो फिर तो पहले पढ़ाई बाद में शादी। लेकिन मामा जी पढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना। वैसे कहना इसका भी सही है, पढ़ाई शादी के बाद भी की जा सकती है, राइट। और मामा जी मुझे एक बहुत ऊंचे पंडित ने कहा था कि इम्तिहान से 10 दिन पहले का मुहूर्त मेरे लिए बड़ा शुभ है। क्या बात कर रहे हो रवि, उन्होंने तो इम्तिहान से 15 दिन पहले का मुहूर्त बताया था। 15 था कि 20 था? 15। अरे वाह, हम दोनों उल्लुओं की तरह बैठे और तुम दोनों अंडे की जर्दी, अभी ठीक से पैदा भी नहीं हुए और अपनी शादी का मुहूर्त भी निकाल रहे हो। कोई शादी वादी नहीं होगी, पहले इम्तिहान पास करो फर्स्ट क्लास में, तब शादी की बात करो, वरना कैंसल, है कि नहीं? आप ठीक कह रही हैं मामा जी। सदा सौभाग्यवती रहो, मगर शादी जो है वो एग्जाम के बाद होगी, अभी ये टांग छोड़ो, बहुत कसके दबा दिया। मामा जी इम्तिहान में फर्स्ट क्लास पास होने की शर्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं इंग्लिश में बहुत कमजोर हूँ। हाँ मामा जी मेरी इंग्लिश तो बहुत सॉलिड है, लेकिन मैं हिंदी में बहुत कमजोर हूँ। अरे रे, तो देखो अगर एग्जाम का रिजल्ट कमजोर हुआ ना तो शादी का रिजल्ट भी कमजोर हो जाएगा, अगर तुम अंग्रेजी में और अगर तुम हिंदी में पास नहीं हुए तो ये शादी डिसमिस, ये एडवोकेट धर्मदास की अदालत का फैसला है। गुड इवनिंग सर। ओ गुड इवनिंग ललिता, कैसी हो? जी आपकी कृपा है अच्छी हूँ सर। वो हाँ क्या बात है सर? वो हा? अरे क्या वो किया जा रही हो, साफ कहो ना। मुझे शर्म आती है सर, मेरी वो पक्की हो गई है। वो शादी? यस सर। ओ आई सी, अभी मैं कहूँ इतनी खुश की नजर आ रही हो, चलो लाओ कार्ड। अभी कहाँ कार्ड बाद सर, अभी तो एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? कैसा प्रॉब्लम? इंग्लिश, अगर मैं फेल हो गई तो फिर शादी डिसमिस। मतलब पास होना तुम्हारी शादी की शर्त है? डोंट वरी आई विल टीच यू, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। बाय। अरे भाई दरवाजा खुला है। जब दरवाजा खुला है तो क्यों खामखा बेल बजा रहे हो? अरे सर आप सर वो सॉरी सर आई ना। गुड मॉर्निंग सर, आई मीन गुड इवनिंग सर। दरवाजा खुला देखकर अगर मैं अंदर आ जाता तो
तो एक प्रोफेसर में और एक लोफर में क्या फर्क रह जाता? सॉरी सर, आप बैठिए ना। ये मेरे स्वर्गीय पिताजी प्रेम कपूर की तस्वीर है सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ अपनी किताबें और एक ग्लास पानी लिया। अच्छा मम्मी, सर आए हैं, सर एक ग्लास पानी लाना। तो नमस्ते सर, पानी। आपने भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं तुम्हें इस रूप में देखूंगा। सॉरी। जिंदगी की आखिरी सांस तक बस एक ही तमन्ना रहेगी कि हर सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलूं तो तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा देखूं। आपको कुछ पता है आज क्या तारीख है? हाँ, गुरुवार 5 अगस्त। और ये तारीख हमारे लिए क्या अहमियत रखती है? अहमियत अर्थात महत्व, यानी कि इम्पोर्टेंस। हाँ देखो, मैं बहुत भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ, दिन और तारीख तो याद है उसका शुक्र मानो, वरना मैं तो कभी कभी अपना नाम भी भूल जाता हूँ। अच्छा भाई, तुम्हें बता दो क्या खास बात है आज की तारीख में? हमारी शादी की सालगिरह है। वाओ, रियली? तो आज कॉलेज जाना कैंसिल, हम ये सालगिरह ताजमहल होटल में मनाएंगे? नहीं, हम अपनी सालगिरह घर पर ही मनाएंगे। लक्ष्मी। हेलो। हाँ कुमार साहब जी। अच्छी हूँ। नहीं कुमार साहब, आज तो मुश्किल है, आज नहीं आ सकती। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं अभी आई। सुनिए, आज एक चैरिटी प्रोग्राम है कुमार साहब के साथ गाने का, मैं तो भूल ही गई। है, जाने दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाओगी, अपना वादा तोड़ोगी? वादा दिल से नाजुक चीज होती है। किसी से किया हुआ वादा और किसी को दिया हुआ दिल कभी नहीं तोड़ना। आप कितने अच्छे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा सुनो सुनो, आते वक्त अपने सिंगर पार्टनर कुमार को भी साथ ले आना पार्टी में। जरूर लाऊंगी, आएंगे किसी नहीं, उनको आना ही पड़ेगा। मुबारक हो प्रोफेसर साहब, शादी की सालगिरह मुबारक हो। थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक हो। आओ भाई। अरे भाई, ये कैसी शादी की सालगिरह है? दूल्हा मौजूद है और दुल्हन गायब। हाँ, मगर लक्ष्मी तो एक कलाकार है और कलाकार पत्नी अपने पति से ज्यादा कला से प्यार करती है। भाई विजय, मुझे माफ करना, जरा देर हो, शादी की सालगिरह मुबारक। मगर लक्ष्मी जी कहाँ है? बस मेरा बात क्या है कि अचानक उनका प्रोग्राम निकला है। अरे तुम्हारी सालगिरह के लिए हम इतनी दूर से धक्के मुक्के खाते हुए पूना से चले आ रहे हैं, और जिनकी सालगिरह है वो खुद प्रोग्राम पे चली गई, ये गलत बात।
अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, आप क्या पियेंगे? तुम्हारे हाथ से नहीं, लक्ष्मी जी के हाथ से पियेंगे, आने दो उन्हें। कितनी देर हो गई, प्रोफेसर साहब नाराज हो गए, अब आपका टेलीफोन भी काम। कमिन कमिन, आप लोगों को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तमाम मेहमान चले गए, कोई बात नहीं, आइए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल बात यह है, जहाँ हम शो कर रहे थे वहाँ अचानक रोशनी चली गई, कई घंटों के बाद रोशनी आई। अब चैरिटी शो अधूरा छोड़कर आना ऑडियंस के साथ नाइंसाफी होती ना। जाहिर बात है, जिंदगी में इंसान एक वक्त में एक ही जगह इंसाफ कर सकता है, अपने से करे या दूसरों से करे। हाँ, और मुझे तुम पर नाज है लक्ष्मी, सालगिरह हम दोनों की थी और अपनी खुशी तुम घरों में बांट कर आ गई, क्यों कुमार साहब? विजय साहब, आज यहाँ इतना बड़ा दिन था और आपकी पत्नियां हाजिर नहीं थी, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं, यू ग्रेट मैन सर। आप वाकई बहुत महान आदमी है, मेरी तरफ से ये तोहफा कबूल करना। थैंक यू मिस्टर कुमार, मेरा ख्याल है बातें कुछ ज्यादा हो गई हैं। देखिए ना, केक कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहा है, मेहमान तो चले गए, कहीं केक से मिठास ना चली जाए। आइए ना, इस खुशी के मौके पर मैं चाहूंगा कि ये केक आप दोनों काटें। ये क्या कह रही हैं आप, केक हम दोनों काटें? हाँ, देखो ना कुमार साहब, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं, मैं भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड का ये ट्राइंगल है, और सच्चे दोस्त वही कहलाते हैं जहाँ खुशी एक की होती है और मनाता दूसरा है। लेकिन सर, ये काम तो पति पत्नी को करना चाहिए। कोई बात नहीं, हम दोनों काट लेते हैं। आइए, उस संगीत के नाम जिससे मैं प्यार करता हूँ, उस संगीत के नाम जिससे लक्ष्मी प्यार करती है, उस संगीत के नाम जिससे कुमार साहब प्यार करते हैं, यानी कि एक ही प्यार का करंट हम तीनों के दिलों में दौड़ रहा है, उसी प्यार के नाम Happy anniversary to us. अरे आपने अभी तक नाश्ता शुरू नहीं किया, कॉलेज के लिए लेट नहीं हो जाएंगे? अजी, ये अखबार को देखकर आदमी कॉलेज के लिए क्या, हमेशा हमेशा के लिए लेट हो जाएगा। ये पूरा पेज तुम्हारी और कुमार की फोटो से भरा हुआ है, तारीफें तारीफें लिखी हैं। ये तो पिछले प्रोग्राम की आज रिपोर्ट छापी है पेपर वालों ने। मेरी बड़ी तमन्ना है कि तुम दोनों का प्रोग्राम कभी अपनी आंखों से देखो। अच्छा, आप पहले खाइए, बाद में देखिएगा। अरे आज ही तुम कितना मस्का लगा रही हो, हाँ? देखो वैसे ही अपना मोटापा पकड़ में नहीं आ रहा, और समझा, जिस दिन मस्का ज्यादा लगता है उस दिन कोई नई फरमाइश जरूर होती है। आप तो लगता है दिल की किताब पढ़ लेते हैं। चेहरा दिल की किताब होता है मेम साहब, और इस किताब को हम काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। तो बताइए आज इस किताब में क्या लिखा है? अभी लिखाई जरा धुंधली सी है, जरा साफ होकर सामने आ जाए तो खुद भी पढ़ लूंगा और तुम्हें भी सुनाऊंगा। आज तुम ही बताओ। बात यह है कि आज शाम मेरा और कुमार साहब का एक प्रोग्राम है, आज आपको भी आना पड़ेगा। हम यहाँ से 7:30 बजे निकलेंगे, ठीक 8 बजे प्रोग्राम दीनानाथ मंगेशकर हॉल में है। आप ठीक वक्त पर आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं, क्योंकि मैं और कुमार जी सही वक्त पर प्रोग्राम शुरू करने के लिए मशहूर हैं। मैं आपकी शौहरत को सलाम करता हूँ, लेकिन एक मुश्किल है, आज मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, एग्जाम सर पे हैं। आज कोई क्लास वास मत लीजिए, एक दिन क्या मेरे लिए क्लास नहीं छोड़ सकते? कैसे छोड़ दूँ, आज कहती हो क्लास छोड़ दो, कल कहोगी घर छोड़ दो। ओफो, कैसी उठपटांग बातें कर रहे हैं आप। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो चोर की तरह मजाक को सच समझकर डर जाती हो। आ जाओ, चलो कोशिश करूंगा। नो कोशिश, आपको आना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ। वादा? हाँ वादा, ठीक 7:30 बजे आ जाओ। अच्छा, अब मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। हेलो। हाँ मैं विजय बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रही हैं? कॉलेज से। कॉलेज से? 7:30 बज चुके हैं। तुम्हारा प्रोग्राम 8 बजे शुरू होता है ना? हाँ?
मैं तुम्हें ठीक वक्त पर पहुंचा दूं। ओके। हेलो। सॉरी लक्ष्मी, यहाँ प्रिंसिपल साहब मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं नहीं आ सकता। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आज बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, मैं अपने प्रोग्राम पर कभी लेट नहीं पहुंची। आज मैं कैसे वक्त पर पहुंचूंगी? अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंची, तो मेरी इज्जत, मेरी रिपुटेशन सब खाक में मिल जाएगी। हेलो, हेलो। शुक्रिया। देवी और सज्जनों, आज की इस संगीत के स्वरों से सजी हुई खूबसूरत शाम आपके नाम, संगीत के चाहने वालों के नाम, और संगीत के चाहने वालों को हमारा सलाम। दिल थाम के बैठिए, अब मैं आपके सामने आपका वो मनपसंद गीत सुनाने जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मिस्टर कुमार, लेकिन लक्ष्मी देवी अभी तक नहीं आई, और इस चैरिटी शो के इतने महंगे टिकट हम लोगों ने आप दोनों के ड्यूट सुनने के लिए खरीदे हैं। निराश मत होइए साहब, मुझे यकीन है कि वो जरूर आएंगी। लक्ष्मी जी वक्त पर आने के लिए मशहूर है, वो आएंगी और जरूर आएंगी। अगर वो नहीं आई तो? अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, और अगर हुआ तो आज मैं ये संगीत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मगर मुझे विश्वास है कि वो जरूर आएंगी, क्योंकि यही संगीत हम दोनों के दिलों में सांस होता है। अगर मैं साज हूँ तो वो सरगम है, अगर मैं राग हूँ तो वो रागिनी है। चलिए, आज मेरे ये विश्वास का और उनके संगीत प्रेम का इम्तिहान हो जाए। मैं गाना शुरू करता हूँ और देखते हैं कि वो पहले अंतरे से पहले आती है या नहीं। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार। पतझड़ सावन बसंत बहार, पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस के
पैदा नहीं हुई और सुना है गाने वालों की ये जोड़ी बहुत जल्द जिंदगी भर की जोड़ी बनने वाली है। लेकिन लक्ष्मी तो पहले से शादीशुदा है। काहे की शादीशुदा, हमारे ये कलाकार लोग धर्म और समाज से बहुत दूर रहते हैं। कि पति के दिल पर क्या गुजरती होगी? दिल पकड़े बैठा रहता होगा बेचारा। मुबारक हो कुमार साहब। अरे आप, आपने प्रोग्राम देखा? नहीं, कॉलेज में देर हो गई, लेकिन निकलते हुए लोगों के मुंह से जो सुन रहा हूँ वो बातों ने मुझे पागल बना दिया। ये मिस्टर कुमार, आप बहुत ज्यादा सिगरेट पीते हैं। ज्यादा कहा प्रोफेसर साहब, मैं तो सिर्फ 2-4 पैकेट पीता हूँ। इसका मतलब है कि अगर आपके दिल में झांक कर देखा जाए तो सब कुछ काला काला नजर आएगा। आपको ये बुरी आदत फौरन बंद कर देनी चाहिए। मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ इतनी सिगरेट मत पिया करो, लेकिन ये सुनते ही नहीं। देखिए, सिर्फ वो इंसान मेरा सिगरेट पीना रोक सकता है जिसे मेरी जिंदगी पर पूरा हक हो। और ठीक है, मुझे तुम पर हक है, ये सिगरेट नहीं पियोगे। अरे क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा ना, तुम सिगरेट नहीं पियोगे। नेवर, ये हक तुम्हारा नहीं है, ये हक सिर्फ मेरी पत्नी का होगा। आपकी पत्नी जब आएंगी उनका हक आप पर होगा। फिलहाल तो ये मेरी पत्नी है, क्या मेरा हक इन पर है कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं? क्या मैंने घर ले जाने की गुस्ताखी कर सकता हूँ? जरूर। शुक्रिया, आइए। गुड नाइट। गुड नाइट जी। गुड नाइट सर। आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, आज एक पीरियड पहले क्लास छोड़ दी थी, बहुत थक गया था। एक कप चाय मिलेगी? आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं अभी आई। लक्ष्मी, मेरी खैर हाजी में कोई मिलने आया था? नहीं तो, आपसे मिलने तो कोई नहीं आया। मुझसे ना सही, तुमसे कोई मिलने आया था? नहीं बाबा, कोई नहीं आया। ठीक से याद करो। अरे मैं कुछ फसल की बुढ़िया हो गई हूँ क्या, इतनी मामूल सी बात भूल जाऊंगी? मैं जो बात पूछता हूँ
उसका सीधे मुंह जवाब दिया करो। अच्छा बाबा, मैं कान पकड़ती हूँ, मैं सटिया गई हूँ, मेरी याददाश्त खराब हो गई है, बस इसलिए आज से मैं एक नोटबुक रखूंगी, जो कोई भी आएगा उसका नाम इसमें लिख दिया करूंगी। ये लीजिए। ये चाय है कड़वा पानी, आजकल शक्कर डालना भूल जाती हो। प्रोफेसर साहब, चाय तो वही है जो आप रोजाना पीते हैं, शक्कर भी उतनी ही डाली है जितनी आप पसंद करते हैं। याद है आप रोज कहा करते थे, लक्ष्मी मीठा शक्कर में नहीं तुम्हारी उंगलियों में है, तुम जिस चीज को छू लेती हो उसका स्वाद ही बदल जाता है। Will you shut up? मैं दिन भर कॉलेज में लेक्चर इसलिए नहीं देता कि यहाँ आकर तुमसे लेक्चर सुनूं। देखिए, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे थप्पड़ मार दीजिए, मगर गुस्से और नफरत की मार मत मारिए, मैं आपकी नफरत सह न सकूंगी। मैं रात को देर से आऊंगा, थाने पर मेरा इंतजार मत करना। हेलो हेलो, हाँ कुमार, आज नहीं, आज रिहर्सल नहीं होगी क्योंकि मेरा मूड ठीक नहीं है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ प्रोफेसर साहब अभी अभी बाहर गए हैं, तुम्हारा अपना घर है, आ जाओ। ओके बाय। तुम्हारे उस चेहरे को देखने के लिए जिस पर तुमने इस खूबसूरत शरीफ चेहरे का नकाब ओढ़ रखा है। मैंने कोई नकाब नहीं ओढ़ा, नकाब आपने अपनी आंखों पर ओढ़ लिया, शक का जबरदस्ती मेरे खिलाफ मन में शक पैदा कर लिया, जगह दीजिए उस बेबुनियाद शक को, वरना वरना क्या करोगी, क्या करोगी, मुझे छोड़कर किसी और का दामन थाम लोगी? आप कहां थे, क्या थे? ऐसा लगता है शेरी तो वही है, अचानक आत्मा बदल गई। हाँ, इसलिए कि तुम्हारी आत्मा की असलियत का पता अब चला। क्या पता चला, कुछ बताए तो सही। जाओ मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप कभी मुंह खोल ही नहीं सकते क्योंकि मैं एक पतिव्रता हूँ जिसके दामन को किसी गैर मर्द ने कभी देखने की हिम्मत नहीं की, छोड़ा तो दूर की बात है। तुम और पतिव्रता, तुम औरत के नाम पर एक कलंक हो। आंसुओं से अपने गुनाहों को धोने की कोशिश मत करो, मैंने तुम्हारा हर रूप देख लिया है। क्या रूप देखा है, क्या किया है मैंने, साफ साफ खुले शब्दों में बताइए, आज मैं बोलते ही रहूंगी। ये हुक्म उस पर चलाना जिसके साथ संगीत के नाम पर अय्याशी करती हो। क्या कहा आपने? हाँ हाँ, तुम जैसी औरत जो अपनी शादी की सालगिरह पर बहाने बनाकर देर से आती है, तुम जैसी औरत जो अपने यार के साथ हजारों गैर लोगों के सामने सुर से सुर मिलाकर गाने गाती है, तुम जैसी औरत अपने पति की खैर मौजूदगी में उसे घर बुलाकर उसके साथ जी एक शब्द मत बोली। क्यों ना बोलूं? अरे तुमसे तो बाजारी औरतें अच्छी हैं जो खुले आम अपना जिस्म बेचती हैं, तुम्हारी तरह पतिव्रता होने का ढोंग नहीं रह जाती। भगवान के लिए मुझ पर ऐसे गंदा इल्जाम मत लगाइए। खामोश, दूर हो जाओ मेरी नजर से।
प्रोफेसर साहब, एक पतिव्रत औरत उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन बेगुनाह होते हुए भी पति की नजर में गिर जाती। जैसे मैं जानती हूँ कि अगर मैं अगली परीक्षा दूं तब भी मेरे राम मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपके सुख और शांति के लिए आपकी दुनिया और संगीत की दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ, सिर्फ आपको प्रेम करने वाली लक्ष्मी। सलाम साहब। बोलिए। नेम साहब हैं? नहीं, बोलिए ना, काम क्या है? जी मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, मैंने आपके हॉल और बेडरूम के एसी का कंप्रेसर बदली किया है। ये बिल लाया हूँ। माफ कीजिएगा साहब, मेरे को बस यही एक बुरी आदत, इधर भी जलता हुआ सिगरेट मसल देता हूँ। ठीक है, ये लो। थैंक यू साहब। May I come in, sir? Come in. क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हैं प्रोफेसर साहब? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बैठिए। जरा लक्ष्मी जी को बुला लीजिए सर, मैं आप दोनों को अपनी शादी का इनविटेशन कार्ड देने आया हूँ। शादी? आप शादी कर रहे हैं? यस सर। वैसे मैं लक्ष्मी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अच्छे घराने की लड़की मिलने चली। तो कल आपने इसी सिलसिले में फोन किया था? नहीं सर, वो तो लक्ष्मी जी के साथ एक नए गाने की रिहर्सल करना चाह रहा था और साथ में अपनी शादी का कार्ड देना चाहता था, लेकिन कमबख्त वो प्रिंटर ने कार्ड टाइम पर दिया ही नहीं, इसलिए नहीं पाया। वैसे लक्ष्मी जी दिखाई नहीं दे रही सर। वो चली गई। चली गई? मेरा मतलब है बाहर गई। हाँ, तभी मैं सोचूं ये घर इतना सूना सूना क्यों लग रहा है। सर, इस पूरी दुनिया में जहां तक सूरज की किरणें जाती हैं, वहां तक आपकी पत्नी जैसी देवी अगर भगवान भी ढूंढे तो भी नहीं मिलेगी। आप बड़े तकदीर वाले हैं सर, आपका ये घर नहीं मंदिर है जिसमें लक्ष्मी जी जैसी देवी रहती है, और आप उस देवी जैसी औरत के पति हैं, इसलिए मैं आपके चरण छूकर आशीर्वाद देना चाहता हूं। अरे अरे, जीते रहो, खुश रहो। थैंक यू सर, चलता हूं मैं। चाहे खुशी है चाहे गम है, ये आंसू है या शबनम है, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। वकील साहब, हमें काहे बांध रखा है, खोलो ना। नहीं, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे झिंझोड़ूंगा, भिंझोड़ूंगा, चादर की तरह ओढ़ूंगा, मगर नहीं छोड़ूंगा। राजा, आजा। राजा तो ले, मैं आ गया उड़ के मोहब्बत के परों से। राम कटोरी, मेरे दिल की कटोरी में तेरे मोहब्बत का पानी भर गया। अरे तू सोच, जब मैं भूखा मरता था तभी तुझको मैंने नौकरी पर रखा था। तू पूछ क्यों? तेरी शक्ल है ना रवि की मरी हुई मामी की तरह लगती है। मैं तुझे मार डालना चाहता हूँ। नहीं नहीं, मतलब मैं तेरे प्यार में मरा जा रहा हूँ। अब ये ले, मेरी आंखों में तू काजल लगा दे, मैं तेरे मां की गली में सिंदूर भरता हूँ। कैसी गंदी बात करने लगे हो, ऐसे तो
देखो तो हमें बकरी की तरह पाल रखा है। वो इसलिए कि इसके शेर को मोहब्बत की इस बकरी से प्यार हो गया। हम तुम्हें मोहब्बत की डोर से तो नहीं बांध कर रख सके, मर खटिया की इस रस्सी से जरूर बांध दिया है। अरे पर काहे, हम तो है प्यार नहीं करत, किसी और को करत है भैया। हैं? भैया, मोहब्बत के शीशे को नफरत का घुटना मार के फोड़ने वाले नागिन, बताओ उस आदमी का नाम। हम उसकी माँ को हाँ पूछेंगे कि तूने ऐसी औलाद को क्यों जन्म दिया। हम वकील हैं, उसके सर में कानून की कील ठोकेंगे। अरे क्या चुप क्या बैठी है, बता, हमको गुस्सा मत दिला, वरना में जब गुस्सा आता है तो आसमान भी चीख उठता है। देखा, चीख उठा के नहीं, ये कुत्ते की तरह काहे को चीख रहा है। आसमान की तबीयत ठीक नहीं लगती है शायद, हाँ मेरा नशा उतर रहा है ना, इसलिए गुस्से का स्टैंडर्ड आसमान से उतर के कुत्ते पे आ गया। मैं थोड़ी पी लूं। हाँ वकील साहब, गटका जाओ, एक सांस में हो जाए, हो जाए वकील साहब, हो जाए। राम कटोरी, राम कटोरी, तुम्हारी ये गाल मद्रास के सेब की तरह है। मद्रास में सेब नहीं उगते, इडली सांभर पैदा होता है, खाएगा? खमश, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहाँ जो चाहें वो उगा सकते हैं। रोकने वाला तू कौन, तेरा समाज कौन? राम कटोरी, तुम्हारी ये आंखें भटिंडा के अंगूर की तरह हैं। भटिंडा? तुम्हारे ये होंठ राजस्थान के आम की तरह हैं। तुम्हारा ये चेहरा हिमालय के तरबूज की तरह है। ये ऑल इंडिया रेडियो है, चुन्नी बेवड़े से समाचार सुनिए। अभी आप फ्रूट सलाद बनाने का सड़ा हुआ तरीका सुन रहे थे। सड़ा हुआ? और अब आप बुरे मौसम का हाल सुनिए। आज मौसम में बदमाशी की गर्मी है, आकाश पे कमीने पन के बादल छाए हुए हैं। अनुमान लगाया जाता है कि जबरदस्ती इश्क करने वाले पर जूते बरसेंगे। समाचार समाप्त हुए कमीने देवे, नमस्कार। ये रेडियो तो बंद है, फिर ये स्टेशन कैसे पकड़ रहा है? क्यों नहीं बेवड़े, जब तुम बंद कमरे में एक लड़की को पकड़ सकते हो तो क्या रेडियो बंद होकर स्टेशन नहीं पकड़ सकता? दो कौड़ी का रेडियो, तेरी इतनी हिम्मत? एक कौड़ी के वकील, तेरी ये जुर्रत? मैं सारा तेरे को उठाकर गटर में फेंक दूंगा। अरे अभी थोड़ी देर में दे, तू अंदर से खुद गटर बनने वाला है। जा जा। अरे बाप रे, मेरे पेट में बम फूट रहे हैं। अरे बाहर जाकर फो, नहीं तो कमरा भर जाएगा। तू जाने नहीं, मैं भी आता हूँ। अरे राम का चोरी। अरे सुनो तो, वकील साहब का बहुत चढ़ गई क्या? पहले तो इज्जत करते रहे और अब पेट पकड़ कर भाग गए, कहाँ पिलाया ऐसा? अरे राम का चोरी, ये सब जमाल घोटे का कमाल है। जमाल घोटा? हाँ, डाल दिया तो मैंने विस्की में जमाल घोटा, अब रात भर पकड़ के घूमेगा अपना लोटा। कमिंग सर। अरे आओ आओ, ये मेरा घर है, कोई क्लासरूम तो नहीं। सर, हमने सुना था कि आपकी तबीयत खराब है, बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आप बीमार लग नहीं रहे। बीमारियां भी अलग अलग रंग की होती हैं, कुछ चेहरे से पता चल जाती हैं और कुछ दिल में बैठ जाती हैं। सर, क्या ये सच है कि आपने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, मगर तुम अपनी पढ़ाई की फिक्र मत करो ललिता, मैं प्रोफेसर वर्मा से कहकर जाऊंगा, वो तुम्हें पढ़ाएंगे। नो सर, मैं अगर पढ़ूंगी तो सिर्फ आपसे, वरना किसी और से नहीं पढ़ूंगी। प्लीज सर, अपना रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए ना। नहीं बेटे, इस्तीफा एक सोचा समझा हुआ फैसला होता है और फैसले आसानी से बदले नहीं जाते। नहीं सर, प्लीज इस्तीफा मत दीजिए, हमें छोड़कर मत जाइए। हम लोगों को आपसे इतना लगाव हो गया है, ये बात ना मैं आपको समझा सकता हूँ और ना ही आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप कॉलेज छोड़कर मत जाइए सर, अगर आप चले गए तो हम लोगों का पढ़ाई से मन उठ जाएगा। आप
अब बच जाइए सर, बच जाइए। मुझे नाज है तुम दोनों पर। आज के जमाने में एक उस्ताद को इतना प्यार इतनी इज्जत देने वाले स्टूडेंट कहां मिलते हैं। मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं तुम्हारी याद हमेशा साथ रखूंगा। जिन्हें जाना है वो तो जाएंगे ही, उन्हें कौन रख सकता है। मम्मी तुम नहीं समझोगी, सर इतने अच्छे हैं कि मैं और रवि बल्कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट उनकी जुदाई नहीं सह पाएंगे। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही करीबी अपना रिश्तेदार हमें छोड़ के जा रहा हो। ठीक है, जैसे भगवान की मर्जी। हम इंसान तो मजबूरी की मिट्टी से बने हुए पुतले हैं। वक्त का हाथ जब चाहे इस मिट्टी के दिल को तोड़ देता है, जब चाहे जोड़ देता है। हम कर भी क्या सकते हैं। चलो बेटी खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। देखो जिद मत करो, भगवान ने चाहे तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। चलो अधिकार तो मैं हमेशा के लिए खो चुका हूं। मैं जानती हूं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। बेबी घर से सुहागे निकली थी और विधवा के रूप में मिली, तो कोई भी मर्द ऐसे ही सोचेगा जो आप सोच रहे हैं। मैं कुछ देर के लिए अंदर आ सकती हूं। हाँ आइए। विधवा मुझे कैसे मिला, मेरी मां का सिंदूर कहां गया, जानना चाहेंगे। जानने की या पूछने की हिम्मत नहीं है मुझ में। वक्त के तूफान के थपेड़े हैं जो इंसान को कभी एक किनारे पर फेंकते हैं, कभी उठाकर दूसरे किनारे पर फेंक देते हैं। उस दिन मैं आपका घर छोड़कर मैं अपनी पुरानी सहेली सुनीता से मिलने गई। उसके पति माना कि बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैं सुनीता का घर तलाश करती जा रही थी। कैसी तबीयत है इनकी? फिक्र की कोई बात नहीं है, दो तीन दिन में ठीक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मैं एक बार फिर ललिता को देखकर आता हूं। जी। घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हैं और मेरी बच्ची की जान बचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना पता बता दीजिए, मैं खुद आपका आपके घर छोड़ाऊंगा। जी मुझे सुनीता कपूर के घर जाना है, वो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन प्रेम कपूर की पत्नी है। आप सुनीता को कैसे जानती हैं? हम दोनों कॉलेज की सहेलियां हैं। उस जमाने में भी जब भी मेरे सामने कोई मुश्किल आती थी तो मैं दिल हल्का करने के लिए उसके पास जाया करती थी। आज भी इसी मकसद से मैं उसके पास जा रही थी। तो समझ लीजिए आपका मकसद पूरा हो गया। ये सुनीता का ही घर है और मैं उसका पति प्रेम कपूर हूँ। जी हाँ, और जिस बच्ची की आपने जान बचाई वो हमारी बेटी है ललिता। क्या ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भगवान ने चमत्कार दिखा दिया। अच्छा
सुनीता कहाँ है? जरा बुलाइए ना उसे। उससे मिलने के लिए आपको बगल वाले कमरे में चलना होगा, वो वहीं है, आइए। हाँ, दुनियावी हिसाब से मर चुकी है, लेकिन मेरे लिए अब भी जिंदा है। जब भी मैं किसी चीज की कमी महसूस करता हूं या दुखी होता हूं तो इस कमरे में चलाता हूं। दरअसल लक्ष्मी जी, इंसान के पास जब कोई चीज होती है तो वो उसकी कदर नहीं करता, और जब वो उसे खो देता है तो फिर वो हाथ मलता रह जाता है। खैर लक्ष्मी जी, ये बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर अंकल, इंजेक्शन मत लगाइएगा, बहुत दुखता है। नहीं लगाएंगे, लेकिन एक शर्त है, आइंदा हमारी गुड़िया आंख मिचुरी और चोर पुलिस का खेल नहीं खेलेगी। अच्छा बाबा, नहीं खेलेंगे। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। शाबाश, खुदा ना खास्ता तो हमारी गुड़िया को कुछ हो जाता तो हम मर जाते। फिर डैडी भी रोते और मम्मी भी बहुत रोती है ना। बड़ा दुख हुआ आपकी दर्द भरी कहानी सुनकर, लेकिन आप फिक्र न करें, ये आप ही का घर है, आपकी हर तरह से मदद करना मेरा फर्ज है। प्रेम साहब, आइए डॉक्टर। ललिता बिल्कुल ठीक है। देखिए प्रेम साहब, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि ललिता के साथ उछल कूद का खेल मत खेला कीजिए। आई एम सॉरी डॉक्टर, आइंदा ख्याल रखूंगा। खैर प्रेम साहब, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे ललिता, तुमने अपने पापा को क्यों बुलाया? मेरे पापा है ना, मुझे मेरे जन्मदिन पर बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। क्या? मेरी मम्मी जो भगवान के घर से वापस आ जाएगी और फिर कभी नहीं जाएगी। लो तुम्हारे पापा आ गए। पापा। अरे ललिता, तुमने मुझे बुलाया बेटा। हाँ पापा, इन सबको भी बता दीजिए, आपने मुझसे क्या कहा था, मेरे बर्थडे पे क्या होने वाला है? अरे हाँ, उस दिन बहुत शानदार फंक्शन होने वाला है। और फंक्शन में कौन आने वाला है? फंक्शन में हमारी बेटी की मम्मी भगवान के घर से उसके जन्मदिन का शानदार तोहफा देने के लिए आने वाली है। और फिर वो कभी भगवान के घर वापस नहीं जाएगी, है ना? हाँ बेटा, भगवान को अर्जी तो भेजिए, अगर मंजूर हो गई तो कभी वापस नहीं जाएगी। देखा पापा ने क्या कहा, चलो हम जाकर खेलते हैं। ये मुश्किल मेरी खुद की पैदा की हुई है, लेकिन मैं मजबूर था। ललिता और बच्चों की माँ को देखकर बहुत रोया करती थी, और मैं उसे बहलाया करता था कि उसकी माँ भगवान के घर गई है, वापस आ जाएगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये बात इतना जड़ पकड़ लेगी। अगर अब उसे बताता हूं कि उसकी माँ मर चुकी है तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, क्योंकि डॉक्टरों के कहने के मुताबिक उसका दिल बहुत कमजोर है। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। लक्ष्मी जी, एक मेहरबानी करेंगी, मुझे कहना तो नहीं चाहिए कि आप एक दिन के लिए रुक जाएंगी। कल उसकी सालगिरह है, इस ड्रामे में थोड़ी देर के लिए हिस्सा ले लीजिए, सिर्फ एक दिन के लिए, उसकी मम्मी बनकर आपकी सहेली की बेटी के लिए आपका बड़ा उपकार होगा। देखिए, मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करता, लेकिन उसे रिमेटिक हार्ट है, 10 सालों तक उसे नाजुक नाजुक बातों से बचा कर रखना होगा। अगर आप लक्ष्मी जी, आपकी खामोशी बता रही है कि शायद मैंने कोई गलत सवाल कर दिया हो या कोई ऐसी बात कह दी हो जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
दीजिएगा। हैप्पी बर्थडे टू ललिता। ये लो ललिता, क्या काटो? नहीं पापा, पहले अपना वादा पूरा करो और मम्मी को बुलाओ। जब तक मम्मी नहीं आएगी तब तक मैं केक नहीं काटूंगी। देखो बेटा, मैंने खुद फोन पर तुम्हारी मम्मी से बात की और भगवान जी ने कहा कि तुम्हारी मम्मी 2-3 दिन तक वहाँ रहेंगी और उसके बाद अपनी बेटी से मिलने सीधे महाबलेश्वर आ जाएंगी। पापा आप फिर झूठ बोल रहे हैं। मम्मी अगर भगवान के यहाँ है तो रात को यहाँ कैसे आएगी? नहीं बेटे नहीं, तुमने जरूर सपने में देखा होगा। क्या बात करते हैं पापा, मैंने अपनी आँखों से देखा है और आप कहते हैं सपने में देखा होगा। अच्छी बात है पापा, आप अपनी आँखें बंद करिए, करिए ना। लो आँखें बंद कर ली। चलो डॉक्टर तुम ही आँखें बंद करो। अच्छा भाई, हम भी आँखें बंद कर लेते हैं। ये लो ललिता बेटी, पहले केक काटो। नहीं, पहले आप हमारा हाथ पकड़ो, हमें पप्पी दो, तब हम केक काटेंगे। अब काटो। बच्चों तालियां। Happy birthday to you, happy birthday to you ललिता, happy birthday to you। लक्ष्मी जी, प्रेम जी कुछ गोंडे लोग आए और वो जबरदस्ती ललिता को उठा कर ले गए। क्या? फोन क्यों रख दिया? पुलिस को फोन कीजिए। पुलिस को फोन करने से कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं? वो लोग बच्चे को अगवा करके ले गए हैं और आप कहते हैं कुछ फायदा नहीं हो। मैं ठीक कह रहा हूँ लक्ष्मी जी, पुलिस को फोन करने से बात और बिगड़ जाएगी, क्योंकि मैं अगवा करने वाले को जानता हूँ। आप जानते हैं? हाँ, वो मेरा सौतेला भाई शेरा है। हे भगवान, उसने ऐसा क्यों किया? दौलत की लालच, वो बचपन से बुरी संगत में रहा, उसे पिताजी की बहुत सारी दौलत बर्बाद कर दी और पिताजी ने तंग आकर उसे जायदाद से बेदखल कर दिया और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। हेलो। नमस्ते भाई साहब, मैं आपका सगा सोतेला भाई। नो प्रॉब्लम। शेरा, अगर ललिता को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम अपनी बेटी ललिता से बहुत प्यार करते हो, इसलिए पुलिस में कोई खबर नहीं करोगे। हाँ, वैसे वो औरत कौन है? लगता जब मैं जेल के अंदर था तुमने दूसरा चक्कर चला लिया, मेरा मतलब है दूसरी शादी कर ली। नो प्रॉब्लम, वैसे वो खूबसूरत है, लगे रहो। बकवास बंद करो, मतलब की बात करो। मतलब की बात तो कर रहा हूँ। कल सुबह सीधे बैंक जाओ, चेक भरो, जितना तुम्हारा रुपया है सब बाहर निकालो और उसके बाद लॉकर खोलो, वहां पर जितना तुम्हारा जेवर पड़ा है उसे भी बाहर निकालो और उसके बाद सीधे वहां से अपने वकील के पास जाओ और एक वसीयतनामा तैयार करवाओ जिसमें ये लिखवाओ कि तुम बिना किसी दबाव के मुझे यानी कि अपने सौतेले भाई को अपनी सारी जायदाद का वारिस बना रहे हो। कहाँ मिलूं तुमसे? जहाँ शहर खत्म होता है वहीं से जंगल शुरू हो जाता है, वहाँ पर एक पुरानी कोठी है, वहीं आ जाओ। Thank you.
आइए भाई साहब आइए। शट अप, अपनी शैतानी जबान से मुझे भाई मत कह। जो इंसान अपने पिता की मौत का कारण बन सकता है, दौलत के लिए अपनी मासूम भतीजी का अगवा कर सकता है, वो कमीना मेरा भाई नहीं हो सकता। मुझे कोई शौक भी नहीं खुद को तुम्हारा भाई कहलवाने का। जल्दी करो, माल निकालो। पहले ललिता को मेरे हवाले करो। नो प्रॉब्लम, ले आओ। शाबाश, आज तक सारी दुनिया को मैं धोखा देता आया हूँ, आज तुम मुझे धोखा देने आए हो। नकली वसीयत और नकली रुपया देने आए हो। मत भूलो कि शेरा के चेहरे पे शैतान की आंखें हैं और तुम उन शैतान की आंखों को धोखा देने आए हो। नो प्रॉब्लम, आज हमारा पूरा खानदान ही खत्म हो जाएगा। शेरा, इतनी आसानी से तो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा। नहीं होगा कामयाब, कामयाब नहीं होगा, कामयाब नहीं होगा। मारो साले को। नो प्रॉब्लम, तुम सबको भी देख लूंगा। ले चलो इसे। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, चलो। नो प्रॉब्लम, लगा रहो। आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? भगवान के पास जाने के लिए। आइए लक्ष्मी देवी, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें करना चाहता हूँ। प्रेम बेटे, प्रेम जी, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ स्वामी जी बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि अब सुनीता के पास जाने का वक्त आ गया है। ये क्या कह रहे हो बेटे? मैं जा रहा हूँ लक्ष्मी जी, ललिता का अपना इस दुनिया में अब कोई नहीं है, ललिता को अपनी अपनी बेटी बना लीजिए, एक मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दीजिए लक्ष्मी जी, वरना मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा मत कहिए प्रेम साहब, आप जरूर अच्छे हो जाएंगे। नहीं लक्ष्मी जी, समय बहुत कम है, आप मुझे देवी माँ के सामने वचन दीजिए कि आप मेरी ललिता को अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करेंगे। आप खामोश क्यों हैं? हाँ कह दो ना बेटी, मरने वाले की आत्मा को शांति पहुंचाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं। अच्छी बात है बेटा, आज से मैं ललिता को ऐसे पालूंगी जैसे मैं इसकी माँ हूँ। मैं माँ बनकर इसकी परवरिश करूंगी, मैं वचन देती हूँ। मैं तुम्हारा जमीर हूँ। जमीर? हाँ लक्ष्मी, मैं तुम्हें आने वाले कल का आईना दिखाने आई हूँ। तुमने इस मासूम बच्ची की माँ बनने का वचन देकर बहुत महान काम किया, लेकिन इस महानता का अंजाम क्या होगा ये भी सोचा है? क्या क्या होगा? तुमने ये वचन देकर सुहागन होते हुए अपने आप को विधवा बना लिया। हाँ हाँ विधवा, लेकिन लेकिन मेरा सुहाग तो जीवित है। वैसे इस बच्चे को ममता का प्यार देने के लिए मैं ये वचन निभा रही हूँ। ये बात तो सिर्फ तुम जानती हो, लेकिन आज तुम दुनिया वालों की नजरों में इस बच्चे की माँ बन चुकी हो, और इसका पिता अब इस दुनिया में नहीं है। कल को लोग तुमसे पूछेंगे कि इस बच्ची का बाप तो मर चुका है, फिर तुम मांग में सिंदूर क्यों लगाती हो, तो क्या जवाब दोगी? जब ये बच्ची बड़ी होगी तो यह भी तुमसे सवाल करेगी कि माँ मेरे पापा तो मर चुके हैं, फिर तुम्हारी मांग में ये सिंदूर कैसे? तब उसे क्या जवाब दोगी? जवाब दो लक्ष्मी, क्या जवाब दोगी? बोलो बोलो बोलो, क्या जवाब दोगी? बोलो बोलो, क्या जवाब दोगी? बोलो क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दोगी? जब ये बच्ची बड़ी होगी तो यह भी तुमसे सवाल करेगी, सवाल करेगी कि माँ मेरे पापा तो मर चुके हैं, फिर तुम्हारी माँ ने सिंदूर कैसे? तब उसे क्या जवाब दोगी? जवाब दो लक्ष्मी, बोलो क्या जवाब दोगी? लक्ष्मी जी अब मुझे देवी माँ के सामने वचन दीजिए कि आप मेरी ललिता को पाल पोस कर बड़ा करेंगे, वरना मरने के बाद मेरी आत्मा को बेटी इतनी रात को यहाँ? स्वामी जी धर्म संकट का ज्वर भाटा मुझे हिला रहा है। इसी मंदिर में मैंने एक मरते हुए को वचन दिया था कि मैं ललिता को अपनी बेटी की तरफ पाल पोस कर बड़ा करूंगी, लेकिन लेकिन ये कैसे हो पाएगा स्वामी जी? क्यों बेटी? ललिता बड़ी हो गई, एक दिन मुझसे सवाल करेंगी कि माँ तेरे तो मर चुके हैं, फिर आप मांग में सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ समझ में ना आए तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए।
भगवान हमेशा हर इंसान की रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी इंसान को भगवान की रक्षा करनी पड़ती है। उस नन्ही बच्ची में भगवान है और उसकी रक्षा करने के लिए अगर तुम्हें अपने सुहाग की निशानी भी छुपानी पड़े ना, तो कोई पाप नहीं। नारी के सिंदूर की रक्षा करने वाली देवी माँ की भी यही इच्छा है, इसीलिए उसने तुम्हारा सिंदूर दुनिया की नजरों से छुपाकर तुम्हें अपना कर्तव्य पूरा करने की आज्ञा दे दी है, आज्ञा दे दी है, आज्ञा दे दी है। सुहागन रखो बेटी। इस तरह पति के होते हुए मैंने अपनी मां का सिंदूर और माथे की बिंदी हटा दी और अपना मंगलसूत्र दुनिया की नजरों से छुपा रखा। एक देवी की तरह जिंदगी गुजारने वाली को सिंदूर और बिंदिया की क्या जरूरत है लक्ष्मी? तुम तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन अब तो अच्छाइयों की सीमा पार कर चुकी हो, और मैं एक कमबख्त शक की चिंगारियों से लगाई हुई आग में 14 साल जलता रहा, तपता रहा। लक्ष्मी, शायद कलयुग की रामायण में यही लिखा है कि इस दौर में सीता को नहीं राम को अग्नि परीक्षा देनी होगी। नहीं, ऐसा मत कहिए। ये अधिकार तो सीताओं के पास ही रहना चाहिए। रामचंद्र जी ने भी पवित्र और बेगुनाह सीता पर शक किया, उनकी अग्नि परीक्षा ली, मगर राम राम ही थे, सीता उनकी जगह कभी न ले सकी। आप ही मेरे राम हैं। आपसे अनजाने में कोई भी गलती हो गई हो, लेकिन आपके सामने सर मेरा ही झुका होगा। पूजा आप ही करूंगी। लक्ष्मी, कुमार साहब सच कहते थे, तुम औरत नहीं देवी हो। मुझे मेरी देवी कब मिलेगी? ये तो तकदीर की रामायण लिखने वाले राम ही जानते हैं। मैं क्या कह सकती हूँ? इंतजार कीजिए, उन्होंने अलग किया है तो मिलने का रास्ता भी बताएंगे। राम कटोरी, एक बात बता। पूछो। तू मुझसे कितना प्यार करती है? 10 किलो। 10 किलो? ऐसा बुढ़ाओ सुन लेगा? अरे सुनने दे बुढ़ाओ को। प्यार किया तो डरना हो क्या? प्यार किया तो डरना। अरे एक बात बता, तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? क्योंकि तू गाता बहुत अच्छा है। तू मेरा किशोर कुमार है, शब्बीर कुमार है, हेमंत कुमार है। तो तानसेन के बारे में तेरा क्या ख्याल है? मर गया तानसेन अकबर के साथ।
इस बैजुबारा के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अच्छी पिक्चर थी, लगी थी शीला थिएटर में। अबे ओ भूतनी के, राम कटोरी जी, तेरे को गाना पसंद है? खाना नहीं मालिक, हमका खाना नहीं गाना। गाना हमका पसंद है मालिक। तो एक काम कर, ये टनी का क्या गाएगा? अच्छा, इसका और मेरा मुकाबला कर। जो जीतेगा उसके गले में तू वर माला पहना देना, बोल मंजूर है? हाँ मालिक, मंजूर है हमका। मंजूर है? तेरा वो मंजूर है? हाँ मंजूर है। ए, बोल ए कचुंबर। अरे बोल पाखंडी, तू शुरू करना है क्या? अरे तू ही शुरू कर। अच्छा ठीक है, सुन ले। सुना? रेगा 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 पगा पा गा पदा 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 सा सदा पदा पगा पगा रे गा रे सा सदा सा पदा गा पा गा रे गा सा बोल 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 झटपट घूंघट खो झटपट घूंघट खो खोल मुखड़ा छोड़ के तू सुर ताल न चल, कौवे
मरता काम जरा डिंडारा 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 कर ले तू आराम जरा आने लगा मेरी जान अभी से आने लगा मेरी जान अभी से हा हा तुझे पसीना झटपट घूंघट खोल खोल मुखड़ा दिखा हसीना मत बोल हसीना ये है बड़ा लेट गया अरे सो गया एक कुंभकर्ण की औलाद सो गया तू हार गया मैं जीत गया वन टू थ्री फोर फिर मैंने कुंभकर्ण खोल फिर मैंने कुंभकर्ण खोल फिर मैंने कुंभकर्ण खोल ललिता सर सर हाय और इसके साथ वापस ले लिया थैंक यू वेरी मच सर प्रोफेसर साहब ऐसा लगता है आपने ललिता पे जादू कर दिया है आपके बगैर तो ऐसे उदास हो गई थी जैसे उसका कोई खजाना खो गया हो जाहिर है बाप के बगैर बेटी का यही हाल होगा हमारा तो इससे भी बड़ा हाल था अब हम इसे खूब पढ़ाएंगे और दहेज में इसके ससुर को डिग्री देंगे जो उन्होंने शर्त रखी है साहब हमारा पैसा हाँ ये लो तुम्हारा किराया कितने रुपए 20 रुपए साहब ये 20 रुपए नहीं है 20 लाख है मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मतलब पढ़ाई का नहीं पढ़ाई के बाहर का हाँ जरूर पूछो सर आपकी शादी हो चुकी है हाँ हो चुकी है तो फिर आपकी पत्नी कहाँ है यहाँ रहती है ये तो दिल है कोई घर थोड़ी है जो आपकी पत्नी यहाँ रहती है अरे घर में तो सभी रहते हैं लेकिन पत्नी जो महान होती है वो दिल को घर बनाकर बाहर रहती राइट सर तुम भी अगर पास हो गई और मेरी नजरों में महान बन गई तो तुम्हारी जगह भी इसी घर में होगी सर आपके बच्चे कितने हैं अरे 2 बच्चे हैं एक बेटी और जो मेरी बेटी से शादी करेगा मेरा दामाद तो मेरा बेटा ही हुआ ना आपकी बेटी का नाम ललिता के दामाद का नाम मैं बता सकती हूँ सर एक बड़ा ही नालायक अकड़ किस्म का लड़का है एक बार क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर अपने प्रोफेसर की तस्वीर बनाने जा रहा था तो खुद की तस्वीर बना बैठा यू स्टूपिड इडियट छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं अपने होने वाले पति को घड़ा बोलती है संभाल कर प्रोफेसर साहब आईना देख लीजिए बालों में सफेदी आ चुकी है अरे ये बुढ़ापे की सफेदी नहीं ये तो मोहब्बत की चांदी है जो दिल से उछल उछल कर बालों के जंगल में अटक कर रह गई है कभी मौका मिले तो इस दिल के ज्वालामुखी में झांक कर तो देखो वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे नाम सा
सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा, सच कहो दर्द ये तुमको कैसा लगा, जाने लगे। हट जाओ ललिता। मगर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। मुझसे सवाल मत पूछो, अगर हिम्मत है तो जाकर अपनी माँ से पूछो। अरे साहब, छोकरी के चक्कर में तुम हमारा भाड़ा भी भूल गया। थोड़ी देर में आता हूँ, तुझे टिप दे दूंगा। हाय ललिता, मुंह फिरा कर चला गया ना। ललिता ओल्ड इज गोल्ड, जो नया है वो बेवफा जैसे रवि। कम ऑन ललिता, अभी भी वक्त है, मेरा हाथ थाम लो, जिंदगी भर ऐश कराऊंगा मेरी जान। वाह,
क्या इंडियन नारी है, वाह वाह वाह, तुम तो बड़े स्टाइल से इश्क करने जा रहे थे, लेकिन उसने दूसरे स्टाइल से कितनी जोर से तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा कि तुमको तो दिन में तारे नजर आ गए होंगे। तुमको क्या लेना है? अरे गुस्सा थूक दे, मुझे तुझसे कुछ लेना नहीं है, शायद तुझे कुछ देना ही होगा। लड़की है कौन? तेरी नानी लगती है, कमाल है शहर की सबसे दौलतमंद बेवा लक्ष्मी देवी की बेटी। लक्ष्मी की बेटी? हाँ, और इसकी शादी मेरे सबसे बड़े दुश्मन रवि के साथ होने वाली है। बिग प्रॉब्लम, ये शादी नहीं होनी चाहिए, अगर ये शादी हो गई तो सारी दौलत उस लड़के की हो जाएगी और मैं सड़क पर। क्या बात है, तुम कुछ ज्यादा जज्बाती हो रहे हो बेटा। तुमने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी देखी? देखा नहीं, सिर्फ सुना है। बेटे मैंने देखा भी है और सुना भी है, ये लड़की हीरे का अंडा देने वाली है। तुझे कैसे मालूम? तुम्हें लड़की से मतलब आम खाने से? मुझे तो हर हाल में ये लड़की चाहिए। मुझे हर हाल में आम चाहिए, यानी के दौलत। देखो बेटा, तुम्हें ये लड़की मिल जाएगी और मुझे बड़े बड़े आम। मंजूर है? इस शुभ काम में हाथ मिला ही लेते हैं। सुनो तो। हट जा ललिता, मेरा रास्ता छोड़ दो। नहीं, आज तो रास्ता नहीं छोड़ूंगी और उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम नहीं बता देते कि बात क्या है, तुम किस विजय से नाराज हो। जाओ ललिता, मेरी जबान मत खुलवाओ। आज जबान खोले बगैर तो मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। हिम्मत है तो सुनो ललिता, तुम एक पतचलन और पतकार माँ की बेटी हो। शराफत का ढोंग करने वाली एक अय्याश शरत की बेटी हो तुम। तुम्हारी विधवा माँ प्रोफेसर विजय चौधरी की बाहों में बुरी तरह से लिपटी हुई थी। मेरी देवी जैसी माँ के लिए गंदे शब्द तुम्हारी जुबान पर आए कैसे? मेरी माँ को गाली देते हो? आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। आई हेट यू, आई हेट यू। हेट हिम, हेट हिम, नो प्रॉब्लम। लौंडिया हिट है, पप्लू फिट है। मम्मी मैंने कह दिया है कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। ललिता, ये क्या पागलपन है? शादी की तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करूंगी? मजाक है क्या? मैं ये शादी किसी हालत में नहीं करूंगी। रवि ने कुछ कहा? कुछ नहीं कहा किसी ने। ललिता, तुम मुझसे कुछ छुपा रही है। तुमने आज तक अपनी माँ से कोई बात नहीं छुपाई, आज भी मत छुपाओ। बताओ, बात क्या है? नहीं बता सकती माँ, नहीं बता सकती। जिस बात को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी, उसे तुम कैसे बर्दाश्त कर सकोगी? मम्मी, मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी। देख बेटी, जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ लड़ाई झगड़े गलतफहमी होती है, और गलतफहमी बहुत बुरी चिंगारी है, उसे पहले दिन ही बुझा देना चाहिए, वरना कभी कभी ये चिंगारी बसे बसाए घर को जलाकर खा कर देती है। खैर, तू फिक्र मत कर, मैं रवि से बात करूंगी। नहीं माँ, तुम रवि से नहीं बात करोगी। अगर तुम मेरी माँ हो, तुम्हें अपनी बेटी की इज्जत प्यारी है, तो उससे कोई बात नहीं करोगी। मम्मी, मैं रवि को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर चौधरी, बहुत जब्त करने के बाद मैं तुमसे ये कहने के लिए आया हूँ कि आज शाम सूरज डूबने से पहले ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना इस लोहे की सलाख से मार मार कर मैं तुम्हें ये दुनिया छोड़ने पे मजबूर कर दूंगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मुझे मेरे स्टूडेंट की तरफ से ये इनाम किस खुशी में दिया जा रहा है? तुम्हारी असलियत के बदले। क्या? तुम्हारे काले कारनामों के बदले। क्या कह रहे तुम? अपने इस भोले चेहरे से तुमने बहुतों को बहुत दिलों तक बेवकूफ बनाया, मगर तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे छुपा हुआ शैतान मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। प्रोफेसर रवि, चिल्लाओ मत। तुम लोगों को तो शराफत का सबक सिखाते हो, लेकिन खुद पापी हो, एक गिरे हुए इंसान हो। तुम्हें ललिता की विधवा माँ के साथ प्यार का गंदा और घिनौना नाटक करते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। है कोई जवाब तुम्हारे पास? जवाब तो ऐसा है, अगर दूंगा तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी।
लेकिन इस वक्त खामोशी ही बेहतर है। कभी न कभी मेरे बदले वक्त खुद तुम्हें जवाब देगा। वक्त जवाब दे ना दे, मगर मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं कि आज के बाद तुम इस शहर में नजर नहीं आओगे। अच्छी बात, तुम्हारी चेतावनी का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, कौन हो तुम लोग? हमें रवि ने आपके पास भेजा है ये कहने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके आप ये शहर खाली कर दीजिए। कर देंगे ना सर? मेरे घर में मेरी इजाजत के बगैर चोरों की तरह घुस आए और मुझे धमकी दे रहे हो? जी हाँ सर। ओके, देखते मैं भी पुलिस को फोन करता हूँ। नो प्रॉब्लम, पुलिस को फोन करो, मिनिस्टर को फोन करो, कमिश्नर को फोन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा फोन मर चुका है। मेरा मतलब है मेरे चमचों ने तुम्हारा फोन काट लिया है। कितनी बुरी बात है, अब यहां से बाहर कैसे जाओगे? हाँ, सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम इस शहर से बाहर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें इस दुनिया से बाहर ले जाएंगे, क्योंकि हम ठहरे भाड़े के टट्टू भाई। जैसा रवि बोलेगा वैसे ही करना पड़ेगा ना? राइट। हेलो, आप लक्ष्मी जी बोल रही हैं? हाँ मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ। देखिए प्रोफेसर साहब पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया है। प्रोफेसर साहब पर गुंडों ने हमला कर दिया? जी हाँ जी हाँ, वो बहुत जख्मी हालत में है। उनके होठों पर एक ही शब्द है, लक्ष्मी लक्ष्मी। उनसे कहिए मैं अभी आ रही हूँ। बात है मम्मी, कहाँ जा रही हो? वो आज शायद धोखा आखिरी सोमवार है ना, मैं मंदिर जाना भूल गई। तेरा खाना तैयार रखा है तो खा ले, मैं अपने भगवान को देखकर जल्दी वापस आ जाऊंगी। हेलो, ये क्या, आप बुरी तरह घायल हो गए हैं? चलता है लक्ष्मी, जख्म सहने की अब तो आदत सी पड़ गई है। शायद दिल में जगह नहीं मिली इसलिए जख्मों ने शरीर पर ठिकाना बना लिया। पर तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने फोन करके बताया, लेकिन बताए तो सही ये सब किसने किया? हे कुछ गुंडे, लेकिन इसमें रवि का कोई कसूर नहीं है। लक्ष्मी, रवि ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और उसने मुझे यहां से चले जाने की धमकी भी दी। तो ऐसे देखा जाए तो रवि का कहना भी सही है, अगर मैं यहां रहा तो हम दोनों जरूर मिलेंगे और हमारे मिलने से उनका प्यार बदनामी का शिकार होगा, उनकी शादी टूट जाएगी। इसी बेहतर है कि मैं यहां से चला जाऊं। ऐसे मत कहिए। मैं मजबूर हूं लक्ष्मी, मेरे जिंदा होते हुए भी तुमने एक विधवा का जीवन गुजारा, मेरे मर जाने पर भी तुम विधवा ही रहोगी। लेकिन मेरे यहां से चले जाने से ही ललिता की मांग में सिंदूर भर जाएगा। मैं भी कितनी अभागिन हूं, बरसों की तपस्या के बाद आपको पाया भी है तो खो देने के लिए आज मेरा सुहाग मुझे मिला है, उसे अपने कहने की इजाजत तक नहीं मुझे। एक कृपा कीजिए, ललिता की शादी तक रुक जाइए, उसके बाद
इसके बाद मैं मुझे से मुक्त हो जाऊंगी। नहीं लक्ष्मी, मुझे जाना ही होगा। आज फिर शक की याद ने जन्म ले लिया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगा, खुशियों के कदम उस घर में नहीं पड़ेंगे। लक्ष्मी तुम समझ लेना कि बरसों पहले ही मैं मर गया था और तुम सचमुच विधवा हो। ऐसे कभी मत कहिएगा। मेरा सिद्धू जो भगवान के पास अमानत है उसकी कसम खा कर कह रहे हूँ, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। ललिता होश में आओ। हुआ क्या ललिता, आखिर बात क्या है, कुछ बताओ तो सही। रवि तुमने सच कहा था, मैं एक बदकार माँ की बेटी हूँ और ऐसी माँ की बेटी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाने दो। तुम क्यों मरोगी? मरेंगे वो जिन्होंने अय्याशी के हथियार से अपने जमीर को कत्ल कर दिया, जिन्होंने अपनी आत्मा अपनी हया को मार डाला। तुम्हारे मर जाने से उनका जमीर दोबारा जिंदा नहीं हो जाएगा। हम जिएंगे ललिता, हम जिएंगे उनसे बेताल्लुक होकर, उनसे कोई भी संबंध रखे बगैर। हमारे पास हमारे प्यार की दौलत है, हमें तुम्हारे माँ की दौलत की जरूरत नहीं है। तुम ठीक कहते हो रवि, अच्छी बात है। तुम मेरा घर पे इंतजार करना, उस घर में आखिरी बार होकर आती हूँ। ललिता ललिता फिक्र मत करो, मैं उनकी दौलत में से किसी चीज का हाथ नहीं लगाऊंगी। उस पाप के घर में पवित्र चीज रखी है, सिर्फ वो लेकर आऊंगी। आप उस दुनिया में हैं जहां भगवान आपके बहुत करीब है, एक बार उसे पूछ कर तो देखिए कि क्या जब तू अपने भक्तों की परीक्षा लेता है तो उनके दामन में दुख डालकर दोबारा सब डालना भूल जाता है। आपको दिए हुए वचन का पालन करने के लिए मैं हर जख्म को उसको लाकर फेंकती रही, सुहागन होते हुए गुस्सा बनी रही, लेकिन कब तक ये अब हकन कहां तक फेंकती रहेगी। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि वचन का आखिरी पालन कर सको, लड़का को दुल्हन बनाकर इस घर से विदा कर सको। ये क्या ललिता, ये तस्वीर कहाँ ले जा रही हो? जहाँ मैं जाऊंगी डैडी की तस्वीर भी वहीं जाएगी। लक्ष्मी देवी क्या? जी हाँ, दुनिया का असूल है कि अगर बेटी गुमराह हो जाए तो माँ उसे मारती है, सजा देती है या घर से निकाल देती है, लेकिन अगर माँ गुमराही के रास्ते पर चली जाए तो बेटी के लिए एक ही उपाय रह जाता है, वो खुद घर छोड़कर चली जाए। नहीं ललिता, नहीं, इस घर से ऐसे मत जाओ। मैंने एक ही सपना, एक ही सपने पर मैंने ये पहाड़ जैसी जिंदगी काटी है कि तुम्हारी बाग में सिंदूर लग जाए, कि तुम सुहागन जोड़ा पहनो, सात महीने पूरे करो और इस घर से विदा हो जाओ। बस बस इतने से भी इस अभागन माँ की झोली में डाल दो। जो सिंदूर तुम मेरी मांग में लगाना चाहती हो वो खुद की सुनी मांग में क्यों नहीं लगा लेती? सुहाग का जोड़ा मुझे पहनाने के बजाय खुद क्यों नहीं पहन लेती? मेरे साथ फेरे कराने के बजाय प्रोफेसर साहब के साथ खुद साथ फेरे क्यों नहीं लगा लेती? मत जाओ, तेरे बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। मत जाओ ललिता, मुझे छोड़कर मत जाओ। अब तुम्हें मेरी नहीं प्रोफेसर की जरूरत है, अब उनके ही साथ खुलम खुला जाकर रहना शुरू करो। ललिता तुम्हारे लिए मर चुकी है। इस वकील ने जिंदगी बहुत सारी कहानियां सुनी है, मगर
ऐसी दर्दनाक कहानी पहली बार सुनी है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं रवि को समझाऊंगा। तुम, मैंने तुम्हें शहर छोड़कर जाने के लिए कहा था ना? रवि, ये तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद ऐसे बात की जाती है? ये उस्ताद नहीं, निहायत गिरा हुआ आदमी है, नीच है, जलील है। ऐसे आदमी का हमारे घर में बैठना हमारे घर का अपमान है। बिना सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगाना किसी का खून करने से बड़ा जुर्म होता है। सच्चाई मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते हो, सच्चाई मैं तुम्हें बताऊंगा। आगे मुझे पता था कि मेरी बेटी मेरे बगैर नहीं रह सकती। ललिता, नो प्रॉब्लम। अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? लेने नहीं, पटोरने आया हो। बात दरअसल ये है कि आज से 15 साल पहले इस घर के साथ मैं एक हिसाब अधूरा छोड़ गया था। आज उस हिसाब को मैं पूरा करने के लिए आया हूँ। अब तुम जाते हो या पुलिस को बुलाओ? नो प्रॉब्लम, लेकिन बुलाने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुनोगी तो तुम्हारी ये दुनिया घूम जाएगी। तुम्हारी चहेती मासूम अमीर बेटी इस कड़के के कब्जे में है। तुम झूठ बोल रहे हो। ना 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 ना, मैं बेईमान आदमी जरूर हूँ, लेकिन बेईमानी की बात में झूठ नहीं बोलता। और मेरी सच्चाई का सबूत है मेरे स्वर्गीय भाई साहब की ये तस्वीर, जिसे आपकी बेटी अपने साथ ले गई थी। देखो, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है मैडम, आपकी बच्ची मेरी बच्ची है। मैं को फजूल में उसे जान से थोड़ा मार दूंगा। मुझे सिर्फ आप उसके खिलौने दे दीजिए। मेरा मतलब है, आज सूरज डूबने से पहले अपने जेवर, अपनी बेटी के जेवर और जितना तुम्हारे पास कैश है ना, वो सब लेकर काले खंडर पहुंच जाना। मगर एक बात का ध्यान रहे मैडम, मैं बहुत सुअर आदमी हूँ। अपने बाप का खून मैंने किया, अपने भाई को तुम्हारी आंखों के सामने मैंने जान से मार दिया। अगर तुमने मेरे साथ कोई चाल चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बेटी के जिस्म को काट काट कर इससे टुकड़े कर दूंगा कि उसकी लाश को कफन में लपेट कर चिता पर लिटाना मुश्किल हो जाएगा। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मेरे भक्तों, एक जमाना था इस मंदिर के भगवान को फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता था। आज जमाना ये है कि शैतान को धन का चढ़ावा चढ़ाया जाएगा। मेरी लटरी। आइए लक्ष्मी जी, आइए आइए। वाह लक्ष्मी जी वाह, आप तो साक्षात लक्ष्मी हैं। हाथ में धन की लक्ष्मी है और मन में बेटी की मोहब्बत की लक्ष्मी है। एक काम कीजिए, ये बैग की लक्ष्मी मेरे हवाले कर दीजिए। नहीं, पहले ललिता को मेरे हवाले करो। करेंगे लक्ष्मी, जरूर करेंगे, लेकिन पहले धंधे का असूल तो पूरा कर ले। इस हाथ से बैग लेंगे, उस हाथ से आपकी ललिता देंगे। ला बैग ला। अरे घबराइए मत, लाइए। प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दो इसको। ललिता। निशान जरा देख, मेरा चढ़ावा पूरा है कि नहीं। तेरा चढ़ावा ठीक है। लक्ष्मी, तुमने इस लक्ष्मी के लिए मुझे 20 साल तक तड़पाया है, पहले अपनी तड़प का प्यास तो पूरा कर लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह दौलत का ब्याज दौलत की शक्ल में वसूल किया जाता है, उसी तरह तड़प का ब्याज तड़प की शक्ल में वसूल किया जाएगा। और आज से
हम अपना ब्याज वसूल करते हैं। निशान, असल तो मैंने वसूल कर लिया है, ब्याज तू वसूल कर ले। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कतार भूल गया? तूने अभी तो अपने भाई के साथ गद्दारी की थी। मैंने की तो क्या हुआ? और तुम लोग, तुम लोगों को माल चाहिए ना, मैं दूंगा और तुझे मिलेगी मौत। मेरे पैसे को बचा लो। ये न्याय की मूर्ति है, अपने चरणों में अन्याय नहीं होने देगी। हट! Thank you.
इनको। चलो। कहाँ जा रही हो? आओ मेरे साथ। जाओ जाकर माफी मांगो अपनी माँ से, उन्हें होश में लाओ। अगर ये चली गई तो संसार से सच्चाई और पवित्रता हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। जाओ। क्या माफी और इनसे? हाँ हाँ इनसे, इस देवी से, जो तुम्हारी माँ ना होते हुए भी तुम्हारी माँ से महान है। रवि तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा है। जिस शक की आग ने तुम्हारे होश को जला दिया है, उस आग को बुझाने के लिए मैं सच्चाई को पानी की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं वकील हूँ, आज तक बहुत सारी अदालतों में मैंने मुकदमे लड़े हैं, मगर आज मैं संसार के सबसे बड़े जज की अदालत में तुम्हारे शक का मुकदमा लड़ूंगा। मैं इस महान जज के पवित्र चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि सच कहूंगा और सच में झूठ का एक शब्द भी शामिल नहीं करूंगा। इस देवी ने जिंदगी में दो बार शक की आग में सच्चाई की अग्नि परीक्षा दी है। पहली बार तो जब इनके पति प्रोफेसर चौधरी ने इनकी पवित्रता पर शक किया और इनको घर से निकाल दिया। ये जिंदगी से मायूस थी। ऐसी हालत में तुम्हारे मरते पिता ने तुम्हें इनकी गोद में डाल दिया और इनसे वचन लिया कि ये एक माँ की तरह तुम्हारी परवरिश करेंगी। इन्होंने वचन दे तो दिया, मगर उस वचन को निभाने के लिए इन्होंने वो कुर्बानियां दी हैं कि अगर आकाश से कोई देवी भी उतर कर आ जाती तो उसके भी कदम डगमगा गए होते। तुम्हारे पिता मर चुके थे मगर इनके पति जिंदा थे, ये सुहागन थी। मगर तुम्हारे मासूम दिल को चोट न लगे, कल तुम्हें यह पता न चले कि ये तुम्हारी सगी मां नहीं है। इस देवी ने अपने मांग का सिंदूर हटा दिया ताकि कल जब तुम्हारे मांग में सिंदूर की बारी आए तो इनका सिंदूर तुम्हारे सिंदूर के रास्ते में रुकावट पैदा न करे। कुर्बानियां दी है इस देवी ने और तुमने उन कुर्बानियों के बदले क्या दिया? इन्होंने कुर्बानियां दी, तुमने गालियां दी, इन्होंने प्यार दिया, तुमने धिक्कार दिया। ये तुम्हारी मां न होते हुए भी तुम्हारी मां बन गई, मगर अफसोस ये है कि तुम उनकी बेटी न बन सकी। मुझे माफ कर दो माँ, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। ये क्या कह रही है बेटी? तेरे शक की आग में मैंने अपने सच्चाई की अग्नि परीक्षा दी। एक दिन तुमने मेरी खातिर अपनी मांग का सिंदूर हटाया था, आज मैं तुम्हारी मांग तुम्हारे ही पति के खून के सिंदूरी रंग से भरूंगी। ए, प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। दोबारा तो इंस्पेक्टर साहब मर गया, गिरफ्तार कर लीजिए। भगवान, आजकल की औलाद को अकल दे के वो अपने माँ बाप को इज्जत दें, उनको प्यार दें और साथ में मेरे ग्राहकों को अकल दे कि मुझे कभी कभी पैसा दे दिया करें। कोई पैसा ही नहीं देता है, कब तक उधार में काम चलेगा? दोस्त हंसने की क्या बात है?